इसलिए मैं ठीक है। देखिए हम लोग सामान्य से बात हम लोग करेंगे, बिल्कुल जो क्या कह सकते हैं कि आपसे संबंधित होगा, परीक्षा से संबंधित है। तो चूंकि परीक्षा झारखंड की है, विषय भी झारखंड का ही है, आप भी झारखंड के ही हैं, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम झारखंड के होते हुए भी हम कई चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो यो जो बेसिक चीज़ है और वो परीक्षा के दरमियान भी आपको जो तैयारी के दरमियान भी बराबर आपके रूबरू होता रहेगा, आपसे मुलाकात होती रहेगी उन चीज़ों की। तो हम ये जानना चाहते हैं आपको पढ़ना क्या है मुख्य रूप से। देखिए तो अरे ओके सीक्वेंस में ये उधर जाएगा, है ना, भाषा के बाद साहित्य, उसके बाद संस्कृति। ये चार चीज़ें हैं आपको पढ़नी है मुख्य रूप से, जो आपको प्रारंभिक स्तर पर इसको जानना जरूरी है और कायदे से जानना है। अब मुझे ये बताइए, झारखंड कहने से क्या समझते हैं? सिंपल सा कोई पूछे तो आपसे कुछ दूसरे तरह की उम्मीद करेगा लोग। सामान्य आदमी बोलता है कि झारखंड का प्रदेश है, आपसे ऐसी उम्मीद तो नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे आप झारखंड सामने में, कैसे बोलेंगे आप, क्या है झारखंड? आप लोग और कोई आप बताइए, झारखंड कहने से आपके दिमाग में क्या इमेज बनता है? यहाँ जो विविध संस्कृतियाँ अलग लगते हैं, विविध संस्कृति लगता है, सभी ट्राइबल संस्कृति का अलग अलग पुरातन है। तो देखिए किसी भी चीज को परिभाषित करने से पहले उसके संबंध कुछ फैक्ट्स को हमको कलेक्ट करना होगा, कुछ जानकारियाँ जानने ये प्राप्त करनी होगी, तब हम उसको डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपरली। तो देखिए इसको कई ऐसी चीज़ें हैं, मान लीजिए सिर्फ झारखंड एक भूभाग नहीं है, भूभाग में रहने वाले लोग हैं, यहाँ की भाषा है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के फ्लोरा फाउना है, ये सारी चीज़ों मिलकर के उसको एक कम्प्लीट वन बनाता है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, ठीक है। बहुत टेरिटरी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि जैसे मान लीजिए झारखंड कहने से तो एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है कि भाई वो जो विस्तार ये में विस्तारित अर्थ में झारखंड चार राज्यों में अभी तक विस्तारित है, ठीक है। झारखंड बिहार का है, जो हमें प्राप्त है वो बिहार से प्राप्त हुआ है, एक हिस्सा बंगाल में है, एक हिस्सा आपको उड़ीसा में है, एक हिस्सा आपको छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे चीज़ इसको ग्रेटर झारखंड बोल सकते हैं। ग्रेटर झारखंड का जो कंसेप्ट था वो हमें पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमें बिहार से प्राप्त हुआ, जो हम इसको झारखंड कहते हैं। क्योंकि क्यों हम कहते हैं जो चारों स्टेट में बना हुआ है, क्या चीज़ उसमें कॉमन है? कॉमन है उसका लैंग्वेज और कल्चर, और जो कल्चरल जो फर्क है बिहार के साथ में, वही मेरा सबसे बड़ा आधार रहा है झारखंड का अलग होने का। सिर्फ वो टेरिटरी का क्लेम नहीं था, बल्कि हमका कल्चरल क्लेम था कि हमारा झारखंडी कल्चर, ये झारखंडी कल्चर जो है तो डिफरेंट है बिहारी कल्चर से, एक बड़ा सा आधार हमारा था। तो देखिएगा हम लोग इसको समझने से पहले झारखंड को कहेंगे कि इसमें जातियाँ क्या कौन हैं, इसकी भाषा क्या है और इसकी संस्कृति क्या है,
इतनी चीजों की जानकारी मुख्य रूप से होगी तभी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। तब हम देखेंगे कि झारखंड में कितनी जातियां या प्रजातियां हैं। तो झारखंड में मुझे बताइए, पहली प्रजाति है, आपको जानते होंगे आप, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, ठीक है। दूसरा है आपको, इस प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट के अंदर जो जातियां हैं, जनजातियां, वो हैं मुंडा, संताल, हो, इसका लिमिटेशन है, खड़िया, ये चार इसमें जनजातियां हैं। और भी छोटी छोटी जनजातियां हैं लेकिन इसके अंदर तो सब वो शामिल हो जाती हैं। मुख्य रूप से ये मुंडा, संताल, हो और खड़िया। अब है कि मुंडा की भाषा मुंडारी है, खड़िया की भाषा खड़िया है, संताल की भाषा संताली है, और हो की भाषा हो है, ठीक है। तो मेरे पास जो है आपको चार जनजातियां हैं और चार भाषाएं हैं, तो हमारी चार भाषाएं हो गई, ठीक है। चार जनजातियां हैं, प्रजाति एक है, इधर जनजातियां चार हैं। ये जनजातियां और भी हो सकती है इसके अंतर्गत, लेकिन वो जो है सो आपको प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट के अंदर जो है सो मुख्य रूप से मुंडा, संताल, हो और खड़िया जनजातियां हैं, और इसकी जो भाषाएं वो मुंडारी, संताली, हो और खड़िया हैं। दूसरी बात है कि हाँ, अरे बप्पा, दूसरा है आपको द्रविड़ प्रजाति। दूसरी प्रजाति है आपकी द्रविड़ प्रजाति। द्रविड़ प्रजाति के अंदर जो जनजाति है वो है उरांव, इसकी, और दूसरी है आपको माल पहाड़िया। उरांव की भाषा है कुड़ुक, इसकी भाषा है मालपो। तो यहाँ दो भाषाएं हो जाती है आपकी, उसमें से आपको एक भाषा, मतलब एक ही रिकॉग्नाइज है, ये आपको इसको क्या कर सकते हैं, द्वितीय राजभाषा है, एक जो है सो उसको रिकॉग्नाइज नहीं है, अल्पान रिकॉग्नाइज लैंग्वेज नहीं है, हम लोग काउंट सिर्फ इसको करते हैं अभी, ठीक है। कहाँ समर्थन नहीं है, कहाँ लिखा, ठीक है, हम यही बात आके कर रहे हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा कि कुल हम अभी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जो है सो सिर्फ आपका एक है, उसके बाद देखिए कि आपको तब हो रहा है कि जनजातीय भाषा कितनी हुई आपको, चार जोड़ एक बराबर पांच है। और तीसरी प्रजाति है आपकी आर्य। आर्य जो है, आर्य प्रजाति के जो लोग हैं वो सदान कहलाते हैं,
वो सदान, सदान की भाषा सदानी है और सदानी के चार सदस्य हैं, खोट्ठा, कुरमाली, आपका ये है आपको नागपुरिया और चौथा है आपको पांच परगनिया, पांच परगनिया, ठीक है। तो यहाँ जो है सो आपको चार भाषाएं हैं, तो कुल मिलाकर के आपको झारखंड में कितनी भाषाएं हो रही है, पांच प्लस चार बराबर नौ, ठीक है। तो ये जो है झंझट है, इसमें आप देखिएगा कि तीन प्रजाति हुआ और तीन भाषा परिवार हुआ, तीन भाषा परिवार के आपके नौ भाषाएं, और दूसरा है तीन संस्कृति। अब मेरे पास जो है सो तीन प्रजाति है, तीन भाषा परिवार है और तीन संस्कृतियां हैं, तब हम इसको आराम से खोट्ठा इसको डिफाइन कर सकते हैं, झारखंड को कैसे करेंगे। देखिए कि झारखंड एक बहु प्रजातीय क्या है भाई, बहुभाषिक एवं सांस्कृतिक राज्य है। झारखंड एक बहुप्रजातीय बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक राज्य है। मतलब है कि मोर देन टू है तो बहु हो मल्टी हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कह सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं झारखंड इज ए मल्टी इथनिक मल्टी लिंग्वल एंड मल्टी कल्चरल स्टेट, तीन भाषा तीन मतलब प्रजातीय समुदाय के लोग रहते हैं झारखंड में, तीन तब ऑब्वियसली अब तीन संस्कृतियाँ भी होगी, तो तीन संस्कृति के लोग रहते हैं और तीन भाषा परिवार हैं, तीन भाषा परिवार के अंदर जो है सो आपको नौ लैंग्वेजेज हैं, ये रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेज हैं और
ये नौ भाषाएं जो है आपकी झारखंड की द्वितीय राजभाषा का दर्जा नौ को प्राप्त है। झारखंड के संबंध में इतना कहेंगे तो हमको लगता है सफिशियंट हो जाएगा। झारखंड एक बहुभाषिक नहीं बहुप्रजातीय बहुभाषिक बहु सांस्कृतिक राज्य है। ये आपको कहीं जब भी किसी सवाल का मुखड़ा बनाएंगे तब ये सबसे ज़्यादा मददगार होगा, ठीक है ना। किसी सवाल का भी मुखड़ा बनाएंगे तो मुखड़ा भी फड़कता हुआ होना चाहिए, सीधे आप मतलब किसी के यहाँ तो नहीं घुसते हैं ना, दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं पहले, चाहे खांसते हैं, कोई ना कोई संकेत देते हैं तब घुसते हैं। तो वो आप सवाल का सीधा जवाब न देकर के सीधा आप थोड़ा आराम आना होगा, इसको आराम से इसको ये करके आप जवाब दे सकते हैं, किसी भी सवाल में ये फिट हो जाएगा। तो ये जो है सो आपको झारखंड के संबंध में ये हमारी सामान्य समझ है, ये आपको बीच बीच में आता रहेगा। झारखंड के संबंध में ये हमारी सामान्य समझ है कि ये यहाँ तीन प्रजाति के लोग रहते हैं, तीन भाषा परिवार हैं और तीन संस्कृतियाँ हैं, ये झारखंड हुआ। दूसरी बात है कि लिख लें सभी अपना है, हाँ इसमें आपका झारखंड तो हो गया, दूसरा है आपको भाषा। भाषा से क्या समझते हैं, भाषा कहने से क्या समझते हैं आप? उसका तो फंक्शन है ये, बट व्हाट डू यू मीन बाय भाषा, उसका काम है संचार, अभिव्यक्ति का जरिया, अभिव्यक्ति का जरिया है, ठीक है, वो भी उसका काम है। ठीक है, देखिए झारखंड की जो मतलब ये जो परिभाषा भाषा की बता रहे हैं ना, वो परिभाषा तो नहीं है लेकिन आप थोड़ा टच कर रहे हैं परिभाषा और जा रहे हैं इसको एक लाइन में। देखिए बहुत सारे लोगों ने इसको परिभाषित किया है लेकिन इसका एक सबसे बड़ी बहुत मुकम्मल परिभाषा जो मिलती है कंप्लीट वन, वो आपको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में आपका एक परिभाषा दी गई है, वो बिल्कुल कंप्लीट वन परिभाषा है। वो परिभाषा ये है कि भाषा ये परिभाषा
बिल्कुल पढ़ाई लिखे हो तो हम ये मेरा एंट्री क्लास है, समझा रहे हैं बस भाषा क्या है इसको समझिए, ठीक है, भाषा क्या है इसके बारे में समझ एक बननी चाहिए। जैसे अभी हमने पूछा तो आपने फंक्शन बता दिया, व्हाट इज, हमने पूछा परिभाषा कैसे करेंगे, आपने कहा कि विचारों के माध्यम, विचारों को प्रेषित करने के माध्यम है, ये भी है ठीक है, उसका फंक्शन है ये, बट भाषा क्या है ये तो आपने नहीं बताया, तो इसको थोड़ा ये समझने के लिए है ऐसा आप कोठा में, मेरा कहना है समझिए अभी फिलहाल, आप मान लीजिए आपको तो देना है लेक्चर में, ये आपको कोठा में हमको बोलना चाहिए, मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ अभी आपको समझाना है हमको, मैं पूरा का पूरा लेक्चर हिंदी में ही दूंगा, ठीक है, लिखाऊंगा कोठा में, उदाहरण होंगे कोठा के, मैं कोठा में बोलूंगा तो शायद हवा हो जाए बात, ठीक है ना, थोड़ी कठिनाई होगी, इसलिए चूंकि वो आपके सुविधा के लिए इसमें इसको बोल सकते हैं, किसको इसको लिख लिया अभी तो, अब इसको समझिए, पहला है कि भाषा एक व्यवस्था है, लैंग्वेज इज ए सिस्टम, भाषा एक व्यवस्था है, दूसरा है भाषा एक व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की, तीसरी बात है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग कैसे है, समाज विशेष के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, तो अब है कि समझें कि भाषा एक व्यवस्था कैसे है, भाषा एक व्यवस्था है कैसे, मान लीजिए कि भाषा एक व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की, अब यादृच्छिक ध्वनि क्या है, यादृच्छिक ध्वनि है, यादृच्छिक जो चूंकि इसका मतलब है पंचायत करना, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब इसको कई लोगों ने मान लिया इसको कि ये जो माने हुए ध्वनि प्रतीक, इसको बोल सकते हैं कि हम यादृच्छिक की जगह बोल सकते हैं कि माने हुए ध्वनि प्रतीकों की, अब ध्वनि प्रतीक क्या है, मान लीजिए मैं जो बोल रहा हूं वो दिखाई पड़ रहा है आपको, सिर्फ सुन रहे हैं, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, मतलब वो विजिबल नहीं है, तब है कि और भाषा इसी स्तर पर सिर्फ मौखिक वाचिक स्तर पर, ये मौखिक स्तर पर हजारों सालों तक लाखों सालों तक चलती रही भाषा, पूरा का पूरा वैदिक साहित्य जो है आपको मौखिक ही रहा है, वो श्रुति और स्मृति पर रहा है पूरा का पूरा वैदिक साहित्य, बाद में चूंकि वो जितना भारी होता गया, चूंकि भाषा के जो स्तर है आपको
उच्चारण, श्रवण, स्मरण, चौथा संवहन, ये चार ही स्टेप थे। और भाषा इसी पर आश्रित थी, उच्चारण करना, सुनना, स्मरण करना, फिर आप मैं जो बोल रहा हूँ आप तक जाना, संवहन, ये चार बिंदु थे चार, और सब कुछ इसी पर आधारित है भाषा। यहाँ इसमें से अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए, उच्चारण में अगर थोड़ा सा दोष हो जाए, तो श्रवण आपका सही है तो सुन लेंगे, तो भाषा में विकृति हो सकती है। मान लीजिए उच्चारण सही है आपका, श्रवण सही नहीं है, तो भाषा में विकृति हो सकती है। जैसा सुनेंगे वैसा याद करेंगे, फिर दूसरे को बोलेंगे भाषा में विकृति होगी। है कि अगर मान लें कि उच्चारण सही है, श्रवण भी सही है, स्मरण अगर गलत है, तो भाषा में विकृति की संभावना थी। और मान लीजिए कि वो तीनों सही है और हमारे आपके बीच का डिस्टेंस इतना है कि मैं बोलूँ आप सुन नहीं सक पाए, तो भाषा में वहाँ भी संभावना कि वहाँ भी गड़बड़ी होगी। और ये परेशान करता रहा लोगों को, चूँकि स्मरण करने की भी एक क्षमता है, एक सीमा है। मान लीजिए कि अकेला ऋग्वेद में 10,000 समथिंग आपको ऋचाएँ हैं, आप मान लीजिए कई लोग तो हैं कि द्विवेदी हो गए, त्रिवेदी हो गए, चतुर्वेदी हो गए, चारों वेद याद करने वाले लोग हो गए, कितना फास्ट रहा होगा, कितना कठिन काम रहा होगा उसको याद करना। तब है कि वो चूंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, कई लोग प्रयास करते रहे कि हम जो बोलते हैं उसको सिम्बलाइज किया जाए। कैसे सिम्बलाइज किया जाए? तो सिम्बलाइज किया जाए तो भाई उसमें क्या हुआ कि कैसे सिम्बलाइज करेंगे उसको, तो इसको मान लिया गया। मान लीजिए सिम्बलाइज जो किया होगा तो किसी मतलब जो भी है दो चार आदमी नहीं किया होगा। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है पंचायत करना, कुछ लोगों को मिल करके जो प्रबुद्ध लोग मिल गए होंगे। और ध्वनियों का जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे मान लीजिए आपको ये है एक अध्वनि है ऐसा हमने कहा, ऐसा क्यों ऐसा किया? कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। और कहने को कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। यही ध्वनि अ को अंग्रेजों इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है, यहाँ भी कोई तर्क नहीं है। उर्दू वालों ने कहा कि मेरा ऐसा रहेगा, यहाँ भी कोई तर्क नहीं है। सो आर्बिट्रेशन मतलब आर्बिट्रेरी है, मतलब मान लिया गया है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये मान लिया गया है। मतलब ऐसे मान लिए गए ध्वनि के प्रतीकों, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक, मतलब ये ध्वनि है ना, अ ध्वनि है, आवाज है, उसका सिंबल सिंबल है ये, ओ ये सिंबल है। अब है कि इनकी जो एक व्यवस्था है, उनकी जो एक व्यवस्था है, वो भाषा एक व्यवस्था है। भाषा व्यवस्था कैसे होगी? अब देखिए व्यवस्था कैसे है। मान लीजिए मेरे पास एक को एक सिंबल है, ठीक है, दूसरा सिंबल है म, और तीसरा सिंबल है ल, तीन सिंबल मेरे पास हैं। हमने एक सिस्टम के लिए इसको अरेंज कर दिया, तो क्या हुआ? एक शब्द बनाना। तो भाषा एक व्यवस्था है, हमने सिस्टमेटिक अरेंज किया तो एक शब्द बन कमल। अब कमल को कैसे से समझ रहे हैं सभी? तो क्यों क्यों समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग इसलिए समझ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर समाज के सारे लोग हैं, एक खास समाज के, समाज विशेष के लोग माने एक पर्टिकुलर सोसाइटी के आदमी हैं जिनके यहाँ कमल नाम का एक फूल का नाम है, इसलिए समझ रहे हैं, ठीक है। एक अंग्रेज बैठा होगा तो समझेगा क्या? नहीं समझेगा। कमल कहने से उसके दिमाग में क्या वो इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। मान लीजिए कि क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपके सोसाइटी का आदमी वो नहीं है, इसलिए नहीं बना कोई इमेज उसके दिमाग में। तो ये है कि अब मान लीजिए क्या हुआ, अगर वो हिंदी जानता हो तब तो समझेगा ना, तब तो समझेगा ना। तो मेरा प्रजातीय दृष्टि से मेरे कम्युनिटी का आदमी नहीं है, लेकिन भाषिक सदस्य है वो,
स्पीच कम्युनिटी के मेंबर है, वो हिंदी जानता है, इसका मतलब भाषिक सदस्य है। दो मतलब मेंबर्स है, दो होते हैं, एक स्पीच कम्युनिटी है, दूसरा है एथनिक कम्युनिटी। हम लोग सारे लोग एक एथनिक कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए कमल समझ रहे हैं। अंग्रेज एथनिक कम्युनिटी नहीं है, ऐसा नहीं समझ रहा है। लेकिन अंग्रेज अगर हिंदी समझता है तो हमारा स्पीच कम्युनिटी मेंबर हो जाता है, इसलिए उस समुदाय के सदस्य हो सकता है, ये जिसके माध्यम समाज विशेष के लोग हो जाता है। अब मान लीजिए थोड़ा सा अरेंजमेंट इसमें करिए, क के बाद ल करिए, थोड़ा सा सिस्टम में चेंज हमने किया, एक नया शब्द बन गया। तीन ही शब्द तो मेरे पास है, नया शब्द बने कब कलम हुआ, थोड़ा हम इसमें और अरेंजमेंट में और बदली करते हैं। मान लीजिए हम लिखेंगे म ल क, मलक हुआ ना। अब ये कि ये भी आपको एक उर्दू का शब्द हो सकता है, हिंदी का भी है, ये आपको हिंदी उर्दू का शब्द है, और ये किसका शब्द है? मलक मन क्या होता है? चमकना। चमकना क्यों सम? और कोई लोग जानते हैं मलकना मतलब? अगर कोठा समुदाय के लोग होंगे, झारखंडी समुदाय के लोग होंगे तो बिल्कुल समझेंगे, मलक मतलब, मलक मतलब मलकना। अरे कहाँ मलको है आजकल, है ना, बड़ा बिजली चमकना होता है ना, उसको ये खोटा का शब्द है मलकना। तो मेरे पास तीन ही आपको जो सिंबल थे, वोकल सिंबल, और तीनों का जो हमने सिस्टमेटिकली अरेंज किया, तो वो जो है एक शब्द बन गया। और उस शब्द को कौन लोग समझ रहे हैं? जो इस भाषा विशेष के मेंबर हैं। इसलिए अपने आप में है कि भाषा एक व्यवस्था है, किसकी? तो माने हुए ध्वनि प्रतीकों की। ध्वनि प्रतीकों को मान लिया गया है, ऐसा कोई भगवान ने नहीं दिया, मान लिया गया है। अगर हमारे पुरखों ने कहा होता कि हमारा ल ऐसा नहीं, ये अ ऐसा होगा, ऐसा होता, ठीक है ना? तो ऐसा हमने अपना कहा कि भाई ये मेरा ओ होगा, इसी में घुसा दिया। उसने अंग्रेजन कहा कि हमारा ओ ऐसा होगा, माना हुआ है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो है इसलिए है कि भाषा एक व्यवस्था है, किसके तो माने गए ध्वनि प्रतीकों की, जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, ये भाषा हुआ, ठीक है। तो चूंकि भाषा पढ़ना है तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपके बीच में आएंगी भाषा पढ़ने क्रम में। जो खोटा भाषा पढ़ेंगे वहाँ भी ये चीज़ें सवाल टकराएगी आपसे। तो ये जो है सो आपको भाषा हुआ। ठीक है, अब तीसरी बात है हमारा साहित्य। साहित्य तो कुछ भी हो सकता है, कोठा का भी साहित्य हो सकता है, हिंदी का भी साहित्य हो सकता है, लेकिन आपको तो कोठा साहित्य मतलब है। लेकिन सिर्फ कोठा साहित्य मतलब नहीं है, आपको हिंदी साहित्य से भी मतलब है, कुरमाली साहित्य से भी मतलब है, और बंगला से भी मतलब है। क्योंकि दो क्वेश्चन आपको ऐसा है, एक जगह पूछेगा कि कोठा भाषा का अन्य भाषाओं से प्रभाव, ठीक है ना, साहित्य के चैप्टर में पूछेगा कोठा साहित्य में भारतीय भाषाओं के साहित्य का प्रभाव, ठीक है ना। इसलिए सारे भाषाओं को, सारे साहित्य को समझना होगा, इसके सारे स्टेप्स को समझना होगा, किन किन स्टेप्स से भाषा रही है, किन किन स्तरों पर प्रभावित करती रही है किसको। भाषा के चार स्तर हैं, भाषा के चार स्तर हैं आपको है क्या कि एक तो है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ, पांच स्तर हैं, मुख्य हैं ये चार स्तर। तो इन सारे स्तरों को स्तर पर प्रभावित करेंगे दूसरे को। ध्वनि स्तर पर खोटा ने किसको कितना प्रभावित किया है, या ध्वनि स्तर पर हम कितने प्रभावित हैं दूसरी भाषाओं से, इन सारे को आपको दिखाना होगा। अगर कंप्लीट दिखा एक चैप्टर, सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है कि खोटा भाषा की विशेषता, ठीक है ना। तो भाषा की विशेषता में इन सारी विशेषताओं को आपको पढ़ना है ना, ये चारों चीजों को। तो ये जो है आपको अब ये साहित्य, साहित्य कहने से क्या समझते हैं? भाषा को एक बंधन में बांध देना है साहित्य।
बंधन में बांध देना सहित है। और कोई? मैं इसलिए डिटेल से पूछ कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नॉन लिटरेरी ग्रुप के लोग हैं, अधिकांश लोग, उनको मतलब ही नहीं भाषा क्या है, साहित्य क्या है। और चूंकि भाषा के स्टूडेंट होने जा रहे हैं तो आपको तो जानना जरूरी है। बोलिए, साहित्य मतलब क्या है? अरे भाई, हम दवाई की दुकान में जाते हैं, दवा खरीदते हैं, तो अंदर का जो कागज होता है ना, हम कभी कभी कहते हैं इसका लिटरेचर कहाँ है। यस, कहते हैं ना, तो बिल्कुल साधारण अर्थ में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम लिटरेचर कह देते हैं। दवा खरीदते हैं तो इस अंदर भी कुछ लिखे, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उसको बोलते हैं इसका साहित्य कहाँ है, इसका लिटरेचर कहाँ है। तो उतने व्यापक स्तर में साहित्य नहीं होता है, जैसे आपने कहा ना कि भाषा को कुछ अरेंज कर दिया तो हो गया, कुछ भी लिखा जा सकता है ना। तो लिखावट अगर, तो ज्योग्राफी की तो साहित्य बोल सकते हैं, उस अर्थ में नहीं है। एक्चुअली साहित्य को समझिए बढ़िया से, क्या है साहित्य, आप बताइए। हेलो गोड्डा, एनीबॉडी, कोई आप लोग? यस सर, भाषा को सही व्यवस्था बनाकर उसका एक संकलन करना ही साहित्य कहलाता है, इसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो हमारे पास। भाषा को एक जगह, भाषा को सही पदानुक्रम बना करके उसका लिखित साक्ष्य बनाना ही साहित्य कहा जाता है। पूरी तरह मैं आपकी बात को समझाने, मास्क खोल लीजिए। नहीं, वो तो कुछ भी लिखना तो साहित्य नहीं होगा, मतलब व्यापक अर्थ में। मैंने कहा ना कि हाँ बैठ जाइए, व्यापक अर्थ में वो भी है कि जैसे हम दवा का पुड़िया जो होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको भी हम साहित्य कह देते हैं, लिटरेचर बोलते हैं ना, लेकिन उतने अर्थ में नहीं है। साहित्य का एक पर्टिकुलर जो अर्थ है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आदमी सिर्फ हार्ड मांस का पुतला नहीं है, आदमी में भावनाएं हैं, दया है, क्षमा है, करुणा है, ममता है, प्रेम है, घृणा है, सारी इतनी सारी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, और इन्हीं का जो सम टोटल आदमी है। अब है कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ एक तालाब है, पूरा लबालब भरा है, ठीक है, उसी तरह आपका बॉडी है, उसमें भावनाओं का तालाब है, ठीक है। ये तालाब में अगर मान लीजिए, अगर कहीं कोई किस्म की बाहर से छेड़छाड़ नहीं हो रही है, ना हवा बह रही हो, चाहे कुछ भी गिरा नहीं हो, तो आप देखते होंगे कि अगर तालाब गए होंगे, देखते होंगे कि बिल्कुल शांत जल है, ठीक है। जब इसमें कोई एक पत्थर मारते हैं, पत्थर जिसको मारते हैं आप, तो क्या होता है, तरंगे उठती हैं और विलीन हो जाती है, ठीक है। क्यों विलीन हो गई? पत्थर छोटा था, तालाब बड़ा था, ठीक है। मान ली इसकी तुलना में थोड़ा बड़ा पत्थर मारेंगे तो क्या होगा, तरंगे उठेंगी और वो आपको बाहर तक हलाक हलाक करना शुरू करेंगी, बाहर तक जाएंगी, ठीक है। अब क्या है, तो ये आपका परिवेश है, बाहर जो है ये आपका दिल है, अंदर ये आपका परिवेश है। परिवेश में कोई पत्थर यहां मार रहे हैं तो कोई घटना जो होती है, ये परिवेश में पत्थर मारना घटना हुई, पत्थर यहां से मारा आपने तो इसमें तरंगे उठती हैं और तरंगे बाहर तक जाने लगती हैं, ठीक है ना। पहले पत्थर मारा था आपने, तरंगे बाहर तक नहीं गई, सैलाब उठा
अंदर में सिमट कर सिकुड़ कर रह गया। बाद में बड़ा पत्थर जब गया तो तरंगे बाहर तक जाने लगी। बस सिमिलर घटना होती है आपके साथ में, घटना जब परिवेश में होती, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया सड़क पर, उसको कई तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। ये लोग देख रहे हैं, जैसे एक आदमी देखा, बोला कि भाई अरे एक्सीडेंट हुआ, अरे अच्छा नहीं हुआ यार। फिर बोलेगा अरे होता ही है, सड़क तो है, वो नहीं कॉमन बात है, चल दिया वो। दूसरा आदमी देखा उसी घटना को, बोलेगा कि अरे बहुत बुरा हुआ यार, ये तो कहाँ का लोग था, कैसे था, वो इतना इंक्वायरी करने के बाद बोलेगा ये समय हो गया यार, चलो, वो भी चला गया। तीसरा आदमी देखा अरे ऐसा बहुत बुरा हुआ यार, इसे उठाने कोशिश किया, बोला पानी पिलाओ भाई इसे, कुछ करो, नहीं कोई सुना, तो वो भी नहीं छुआ, वो भी चला गया। एक आदमी आया पूरा देखा कि एकदम पूरा तुरंत उसको समेटा, खून उन भरा, थोड़ा पोछा पाछा, चाहे पानी नहीं पिलाया, एम्बुलेंस चाहे कोई गाड़ी रुकेगा, नहीं रुकेगा गाड़ी, मान ली बहुत भीड़ भाड़ है तो एक दो थाप लगाएगा भी ड्राइवर को, गाड़ी उतरवा देगा, चढ़ा के हॉस्पिटल ले जाएगा। कितने तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, सिमिलर घटना है, एक ही घटना है, डिपेंड करता है कि आपकी जो भावनाओं के तालाब में कितना पानी है, ठीक है, भावनाओं के तालाब में कितना पानी है तब तो तरंगे उठे, कीचड़ है तो कीचड़ नहीं फैलेगा, कोई घटना नहीं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होता। तो वही बात है कि अब है कि पत्थर यहाँ मारा आपने, तो छोटी घटना छोटी होगी तो तरंगे भावनाएं कम हिलकोरा मारेंगी, घटना बड़ी होगी भावनाएं हिलकोरा ज्यादा मारेंगी और बाहर भी होना चाहेंगी। सिमिलरली आपका यहाँ जो है कोई घटना आपके बाहर घटती है, आप देखते हैं, तो आज वो जो है घटना बड़ी हो, घटना हुई तो आपके अंदर आंदोलन होगा, भावनाओं का, भावनाएं आमतौर पर सुप्त रहती हैं, जब तक छेड़छाड़ नहीं होती है बाहर से, भावनाएं शांत रहती हैं, तो भावनाओं में हरकत होगी और वो भावनाएं बाहर होना चाहेंगी। इंक्वायरी है, क्या पूछ है? साहित्य समाज का, हाँ ठीक है, मैं इसी ओर आ रहा हूँ, है ना, साहित्य क्या है? अरविंद कुमार कुड़माली की क्लास, ये सब सवाल बकवास हुआ है, सब ये सब कुड़माली क्लास हो गई है, पूछने समय है ये जो है, देखिएगा अब है कि वैसा ही होता है, बाहर में घटना घटती है, जैसे यहाँ घटना घटी, छोटी घटना थी, ज़्यादा प्रभावित नहीं किया, बड़ा पत्थर मारा, वो बाहर होना, इसके तरंगें बाहर तक गई, उसे कोई बड़ी घटना जब हम देखते हैं तब हमारे ये जो भावनाओं में हलचल होती है और भावनाएं बाहर होना चाहती है, उसको माध्यम चाहिए बाहर होने के लिए, बाहर होना चाहती है भावनाएं, तो कैसे बाहर होगी? अगर मान लीजिए कोई चित्रकार है तो भावना रंग कुची से कैनवास में उगल जाएगी, भावनाएं बाहर हो गई उसकी। मान लीजिए कोई मूर्तिकार है तो छेने हथौड़ा से चाहे मिट्टी से मूर्ति बना दिया, भावना वहाँ भी व्यक्त हो गई। मान लीजिए कोई स्थापत्यकार है, राजमिस्त्री है बढ़िया, भावनाएं एक भवन निर्माण करके अभिव्यक्त हो सकती है, अरे भाई मुमताज बेगम को की सुंदरता को उकेरा ना ताजमहल में। भावनाएं अगर संगीत माध्यम से बाहर होती है, कोई संगीतकार है, संगीत के माध्यम से भावनाएं बाहर हो सकती है, मतलब भावनाएं एक ही हैं, माध्यम उसके जो माध्यम है, भावनाओं के अभिव्यक्त होने के माध्यम है, और माध्यम के भेद से साहित्य मतलब इसके जो है सो उसके कला के अलग अलग रूप हो जाते हैं। मान लें कि कोई आदमी शब्दकार है, भाषा में उसकी पकड़ है, तो वो भावनाएं जब शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त होगी तो वो साहित्य होगा। भावनाओं की काव्यात्मक अभिव्यक्ति या भावनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति साहित्य होता है, साहित्य को हम बोल सकते हैं भावनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति। ये शाब्दिक भावनाओं की जो शब्दों के द्वारा कलात्मक अभिव्यक्ति होगी वो साहित्य होगा, इसलिए कला के अनेकानेक भेदों में साहित्य भी एक कला है, कला के अनेकानेक भेदों में साहित्य भी एक कला है। तो ये जो है सो देखिएगा कि वो भावनाएं जो है सो मूल है, यहाँ भावनाएं हैं और यहाँ आपके जो
परिवेश में जो घटना है, तो बोल सकते हैं कि परिवेश संभूत चेतना, परिवेश की जो घटना, परिवेश संभूत चेतना की शाब्दिक अभिव्यक्ति साहित्य है। परिवेश संभूत चेतना, या अब चेतना क्या है, चेतना संवेदना है ना, अनुभूति, सब एक ही है। चेतना संवेदना, संवेदना मतलब समान वेदना, उसको जितनी फड़फड़ाहट हो रही है एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति को, वही जब महसूस करेंगे आप अपने दिल में, जितना दर्द उसके हो रहा है उतना ही दर्द इधर महसूस करेंगे, तब आप साहित्यकार हो जाइएगा, तब आप कवि हो जाइएगा। और दर्द नहीं हुआ तो फिर आप सारे लोग कवि हो जाते हैं, नहीं होते हैं कुछ, उतना ही दर्द, इसलिए संवेदना है ना, वो जो है सो वेदना आपकी सम होनी चाहिए। अनुभूति, अनुभूति मतलब है कि वो वैसा ही एहसास। कोठा में एक गीत है कि दो बहन है गोरी और सांवरी, दोनों गोइठा बिछने जाती है, एक के पैर में कांटा चुभता है, दूसरी बेहोश हो जाती है। एक के पैर में कांटा चुभा, दूसरी बेहोश हो गई, काहे भाई, तो उसकी बहन के पैर में जितनी पीड़ा हो रही थी वो पीड़ा स्वयं महसूस जब करेगी तब वही एहसास होगा। दैट इज सिंपैथी, माने इसको क्या बोल सकते हैं, इसको उसको क्या बोल सकते हैं, सिंपैथी मतलब संवेदना बोल सकते हैं, सिंपैथी दया के अर्थ में हो रहा है, लेकिन वैसे दया के अर्थ में नहीं होना चाहिए, है ना, क्या उसका बयान उसकी चीज पर रियलाइज कर रहा है इसमें, तो हम वही कह रहे हैं कि ये जो है तो आपको वो आपकी जो है सहानुभूति, और सहानुभूति भी कब होगा वो भी क्या बोल सकते हैं, तीव्र होनी चाहिए। जैसे कहा ना कि भावना इसलिए नहीं उठ रही है छोटा पत्थर से, छोटी मतलब घटना हुई, बड़े पत्थर से तरंगे बाहर तक जा रही हैं, मतलब है कि वो अनुभूति भी तीव्र होनी चाहिए। उसी को वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल इनर फीलिंग, फीलिंग मस्ट बी पावरफुल, अनलेस आप नहीं कभी हो सकते हैं, फीलिंग पावरफुल, उसी को बोलते हैं कि आपको तीव्र अनुभूति, अनुभूति की तीव्रता, अनुभूति आपकी कितनी तीव्र है, अनुभूति की तीव्रता पर ही डिपेंड करता है साहित्य का सृजन। और कितना अनुभूति तीव्र है तो उसी जो साहित्य जो सृजन होगा वो कालजयी होगा। कविता लिख डाली, प्रेमचंद ने लिखा, उनकी रचनाएं कालजयी हो गई, तो उनकी जो अनुभूति थी इतनी स्ट्रांग थी, इतनी तीव्र थी कि उन्होंने जो लिखा आज भी प्रासंगिक हो रहा है, ठीक है ना। तो अनुभूति की तीव्रता पर डिपेंड करता है साहित्य की का महत्व। अगर हल्के ढंग से कविता, ऐसा नहीं कि चलो भाई कविता कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है, जब तक अनुभूति के स्तर पर अनुभूति भी तीव्र होनी चाहिए, अनलेस आपको कोई जो है काल ये रखना नहीं हो पाएगी। इसलिए अनुभूति की तीव्रता पर होता है, अनुभूति की तीव्रता इस पर डिपेंड करता है। देखिए कि एक बार वाल्मीकि जी, जब वो कवि नहीं थे, वाल्मीकि जी तमसा नदी किनारे बैठे हुए थे और बिल्कुल शांत वातावरण था, कुछ पक्षियां कलरव कर रही थी वहाँ, जोड़ा से जोड़ा प्रेमालाप कर रहे थे वहाँ। इसी बीच में एक क्रॉच पक्षी को एक ब्याज ने मारा, तीर लगा, अब वो उड़ा, चिल्लाया, उड़ करके चिल्लाते हैं उड़ा, और ऋषि के थोड़ा सा आगे गिरा और चिल्लाने लगा तो उधर से क्रौची आई और उसके गले लग करके वो भी चिल्लाने लगी। और उस सीन को देख कर, उस दृश्य को देख करके वाल्मीकि का अंदर हिल गया, वो जो उनकी जो अनुभूति थी उस दृश्य को, ठीक है ना, दृश्य को देखना और अनुभूति के स्तर पर उसको लेना डिफरेंट थिंग है, ठीक है ना। कांटा तो देख सकते हैं बट कांटे की चुभन को नहीं देख सकते हैं, और चुभन शाश्वत है, वेदना शाश्वत है,
वो महाभारत काल में वैसे ही रहा होगा और आज भी वैसे ही है, वो इनविजिबल है, उसको अदृश्य है, उसको महसूस किया जा सकता है और कितना तीव्रता से महसूस कर। सिनेमा देख रहे हैं, हरिश्चंद्र तारामती माले मांगा जाए कफन दो कफन दो, और वो रो रही है कि हम कहाँ से देंगे कफन, पति मांग रहा हो कफन पत्नी से, बेटा मरा हुआ। उस समय आदमी देखेगा जो सामंजस्य स्थापित हो जाता है, अनुभूति के स्तर पर जुड़ जाते हैं हरिश्चंद्र के साथ में, तब आप रोने लगते हैं सिनेमा हॉल में बैठ करके। क्यों? क्योंकि वो जो समवेदना, जो वेदना वहाँ महसूस हो रही है हरिश्चंद्र को या तारामती को, वो वेदना आप महसूस कर रहे हैं, तब आप रोने लगते हैं, क्योंकि जो सो आपका वो सामान्यकरण होगा वहाँ। तो वही बात होती है कि आपको जो, तो क्या हुआ कि ऋषि जब देखा उन्होंने तो उनके मुंह से स्वतः निकला, उनके मुंह से स्वतः निकल पड़ा, माँ निषाद प्रतिष्ठा तुमगम शाश्वती समा यत क्रौचा पक्षिना मिथुना देख मवधि काम मोहितम, उनके मुंह से स्वतः फूट पड़ा। उन्होंने कोशिश नहीं किया, ओवरफ्लो हो गया उसे, उसका जो फीलिंग था, जो अनुभूति जी, इतनी गहरी अनुभूति हुई कि वो जो है सो उनका जो अंदर से स्पॉन्टेनियसली फ्लो कर गया, उनका जो फीलिंग बाहर हो गया, जैसे यहाँ के तरंगे बाहर हो जा रही है। तो इसी तरह तब कवि जी बहुत व्याकुल हो गए और बोले कि अपने चेला को बोले याज्ञवल्क तुम चलो, यहाँ मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं सृजन करना चाहता हूँ, तब वो राम कथा को नारद जी ने उनको बताया, उसी राम कथा पर आधारित उन्होंने रामायण को लिखा। और मान निषाद प्रतिष्ठान का जो जो वाक्य है, उनका पहला वाक्य है, उसको पूरे रामायण में उन्होंने उकेरा है। पूरे रामायण को आप हर अध्याय को देखेंगे तो शुरुआत वहीं से होती है, तो वाल्मीकि रामायण की। तो ये जो अनुभूति की तीव्रता पर डिपेंड करता है कि साहित्य आपका कैसा होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि परिवेश चेतना की शाब्दिक अभिव्यक्ति साहित्य है, और किसी भी समाज का साहित्य जो है, किसी भी भाषा, किसी भी राष्ट्र का साहित्य है, समग्र चैतन्य बोध का सार तत्व होता है। किस देश का साहित्य कितना स्ट्रांग है, उतना ही सभ्य वो समाज कहलाएगा। आज भी देखिएगा कि यूरोप में चाहे इंग्लैंड में आपके जो उनका रोज का ये इनके नाटकों का मंचन होता है, शेक्सपियर के नाटकों का। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े साहित्यकार को नाम तक नहीं जानता है, और वहाँ ऐसा नहीं कि सारे वैज्ञानिक लोग भी जानते हैं सारे लोगों को, हमारे अच्छे अच्छे साहित्यकारों को हमारा सीधा बोलेगा हम तो कॉमर्स के स्टूडेंट, हम नहीं पता, हम तो साइंस पढ़ते हैं, हमको नहीं पता। यस क्या देखिए, अपनी व्यक्तिकता तो आती ही है, नहीं आना कैसे स्वभाव। हाँ ना, मैंने कहना कि देखिए अनुभूति ये कॉमन चीज है, उसमें व्यक्ति कहाँ सवाल आता है। अब हम कह रहे हैं कि वो आपकी भावना कितनी तीव्र है, तो सबसे साहित्यकार हो जाता, क्यों साहित्यकार नहीं है? जिनकी भावना तीव्र होगी साहित्यकार होगा, जिसकी अनुभूति की तीव्रता वही साहित्यकार होगा। मैंने कहा ना शुरू में कि भाई एक ही घटना है, एक्सीडेंट है, उसको कितना तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो सबको साहित्यकार हो जाते, क्यों खास लोग साहित्यकार हो जाते हैं? खंडन मंडन तो होता है, लेकिन शाश्वत यही है, कविता हो जाती है, कविता की नहीं जाती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ढुलक आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता अनजान में बह गई होगी। कविताओं भावना की चीज है, साहित्य भावनाओं की चीज है, ठीक है ना? भावनाओं की चीज है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जुबान जब बंद हो जाती है तो फिर भी कविता हो जाती है। मान लीजिए कि कर्मा यहाँ एक बड़ा बढ़िया त्यौहार है खुट्ठा का, झारखंड क्षेत्र का। कर्मा में क्या होता है कि लड़कियाँ ससुराल जाती हैं, ससुराल में रहती हैं, जो बाल बच्चेदार होने से पहले कर्म करती हैं वो लोग। मान लीजिए उसको आमतौर पर क्या होता है, कर्मा से पहले भाई लोग लेने आते हैं उसको, बहन को,
कर्मा एकदम नजदीक आ रहा है, भाई कोई आया नहीं और लाश में मैंने पहुंचा लेने के लिए उसका कोई, अब है कि उसके ससुराल वाले कोई इसको जाने के लिए भेजने के तैयार नहीं है, ना उसका पति तैयार है, ना उसका सास तैयार है, ना ससुर तैयार है, अब कुछ बोल नहीं पा रही है बेचारी, क्या करेगी, उसकी भावना निकलेगी ना, बोल भी नहीं पा रही है तो रोएगी ना, उसकी भावना आंखों से निकल जाएगी, ठीक है, वो उसकी भावना रुकने वाली नहीं है। इसलिए कविता की भाषा आंसू भी है, पहली जो कविता रही होगी वो आंसू ही रही होगी, और वियोगी होना जरूरी है। वियोगी का मतलब क्या है, भावनाओं के तरंगे उठनी चाहिए, ठीक है, और भावनाओं का पोषण भी परिवेश होता है, किस परिवेश में आप रहते हैं, दिन रात आप रोटी की तलाश में हैं, भूखे मर रहे हैं, तो आपकी भावनाएं सूखेंगी ना। तो ये है कि वह कि परिवेश तब है कि बोल सकते हैं कि मतलब है कि कौन सा समाज कितना जीवंत होगा वो उसका साहित्य बताएगा, जितना समृद्ध होगा किसी समाज का, किसी राष्ट्र का, वो समाज उतना ही समृद्ध और सुसंस्कृत या सभ्य कहलाएगा। ये है कि क्योंकि यह परिवेश चेतना की जो है, परिवेश से ही आपको, और वो जो है सो हम बोल सकते हैं किसको, सार तत्व है यहाँ। अगला है, इसको समझे कोई, एनी क्वेश्चन, आप बताइए, बहुत सीरियस हैं, सबसे पीछे आप बहुत सीरियस लग रहे हैं, समझे बात को, आप सभी आप बताइए भाई, कोने में है आप, नहीं नहीं मैं साहित्य के बारे में पूछ रहा हूँ, तब तक लोग थे ही, समझ में आ गई तो बात, तो खोटा साहित्य के बारे में भी आपको लिखना होगा, तो
ये सब चीज चूंकि भूमिका बनेगी तो ये सब चीज सही बनेगी। हमारे खोटा समाज का साहित्य कितना समृद्ध है इस पर डिपेंड करता है आपका, आप कितना, आपका समाज कितना समृद्ध है या कितना सभ्य है, ठीक है ना। इसलिए देखिएगा कि वो किसी भी देश का जो साहित्य होता है जितना समृद्ध होता है वो देश उतना ही सभ्य कहलाता है। जी किसी भी समाज इसमें परिवेश चेतना की शाब्दिक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति, शब्दों की कलात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है ना, शाब्दिक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति। लिख लिए बेटा, बेटा में अगला है हमारा संस्कृति। संस्कृति कहने से क्या समझते हैं? आप बताइए भाई पीछे, आप संस्कृति से क्या समझती हैं? यस सर, किसी समाज में व्यक्ति का रहन सहन पालन पोषण अपना किसी तरह का मतलब अगर वो बात विचार किस तरह से करता है एक दूसरे के माध्यम से जो करता है वो संस्कृति है सर। अपने कल्चर को डिफाइन भी करता है संस्कृति है सर। ठीक है भाई, देखिए हम जब जब संस्कृति की बात करते हैं तो साथ में एक नया शब्द चलाता है, नया नहीं एक साथ और चलाता है सभ्यता। सभ्यता और संस्कृति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ ठीक है, यस मतलब जो हमें अनुशासित करता है ठीक है। देखिए ये है क्या, इसको हम लोग मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि हम दो बात याद करते हैं कि पहले संस्कृति की बात करते हैं तो सभ्यता शब्द चलाता है और सभ्यता की बात करते हैं तो संस्कृति शब्द चलाता है। कि इसको बोल सकते हैं कि सभ्यता को मटेरियल कल्चर भी कहते हैं, भौतिक संस्कृति। मतलब इसको सीधे बोल सकते हैं कि मेरे पास जो कुछ है व्हाटएवर वी हैव वो सिविलाइजेशन सभ्यता है। क्या मेरे पास क्या है? मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास टेलीफोन है, मेरे पास बिल्डिंग है, कपड़ा है, मोटर गाड़ी है, जितने साइंटिफिक जो डेवलपमेंट हैं या आविष्कार हैं जो मनुष्य ने अपने सुख के लिए किया है वो सारे के सारे सभ्यता हैं। आयरन ओर, आयरन ओर, आयरन ओर तो आपको मिनरल है। हाँ सभ्यता ही है, मेरा कहा हमने नहीं बनाया, हम उसे बनाते हैं ना। आयरन ओर का क्या काम है?
लोहा लोहा बनता है, किस कौन बनाता है? आदमी बनाता है ना, वो सभ्यता हुई ना। आदमी देखिए हम संसाधनों का हम किस तरह से उपयोग करते हैं, संसाधनों को कैसे हम उसको अपने हित में लाते हैं, ये सभ्यता है, ठीक है ना। मान लिए घर बनाया, घर बना करके हमने दरवाजे पर जय श्री राम लिख दिया, वो संस्कृति हो जाती है ना। एक क्रॉस टांग दिया, वो संस्कृति हो जाती है। हनुमान जी को खड़ा कर दिया, वो संस्कृति है। साड़ी आप क्या है? सभ्यता है, क्योंकि हमारा आविष्कार है, वो कपड़ा हमारा है ना। अभी उस साड़ी को पल्लू करना संस्कृति है। घूंघट करते हैं तो भाई सीधा पल उल्टा पल्लू मारना वो संस्कृति है, सीधा पल्लू मारना संस्कृति है। फिर उसका उसी सब उसको साड़ी पहनते हैं तो महाराष्ट्र में ढेकुआ लग पहन लगा देता है, वो संस्कृति है। चावल संस्कृति सभ्यता है, उसका अरसा बनाते हैं लोग, और है ना बहुत किस्म के व्यंजन में खीर बनाते हैं लोग, है ना। चाहे वो आपका झार का पीठा बनाते हैं, इधर और भी क्या है ढक्कन सेरा वगैरह क्या क्या बनता है, उधर साउथ में क्या बनाते हैं उसी का इडली डोसा बनता है, ठीक है ना। उपम क्या नाम है उसको, उपम वगैरह बनता है लोग। तो चीज़ तो एक ही है बट अपने अपने तरीके से हम उसको यूज करते हैं। तो सभ्यता का प्रयोग संस्कृति है। या दूसरी बात है कि हमने कहा था कि मैं जो कुछ हूँ, नहीं मेरे पास जो कुछ है वो सभ्यता है, और मैं जो कुछ हूँ वो संस्कृति। मैं क्या हूँ? मेरे सोचने का तरीका, मेरा व्यवहार है ना, मेरा जो है सो जीवन के प्रति दृष्टिकोण, क्या दृष्टि है हमारी, पूर्व जन्म, यह लोक परलोक, ये सब क्या है, ये संस्कृति का पाठ है। सामूहिकता, सहअस्तित्व, झारखंड की संस्कृति हम न मान लीजिए तो क्या है सर? वही है संस्कृति है। हाँ रीति रिवाज, आपने एक बात कही ना आपने कि जो हमें अनुशासित करता है, जिसको हट करके हम नहीं सोच सकते, वो हमारी संस्कृति है, ठीक है ना। जो देखिएगा कि जो बहुत सभ्य समाज होता है, संस्कृति ज़्यादा उसको ये नहीं करती है। देखिएगा कि संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित जो हमारा लोक समाज है वो ज़्यादा प्रभावित होता है, जो लोक जीवन है। जैसे सपोज कीजिए कि के सिन्हा बड़े डॉक्टर यहाँ हुआ करते थे, कोई बीमार पड़ा तो के सिन्हा के यहाँ दिखाए, 5,000 रुपये फीस देकर प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लिया। गाँव में गया, बोलेगा अरे ठीक होता हो बोका, ये तो फैलना ठीक कर देता तो दो मिनट में, ये भूत वाला मामला होकर में ना, क्या किसी ने कहा कर दो, वो जानते हैं पुर्जी छोड़ देगा फिर भूत के चक्कर में चल जाएगा। वो एक पर्टिकुलर कल्चर को जी रहा है वो, और उस पर वो ज़्यादा हम सचेत हो रहा है उससे, है ना। और जो है सो उसमें जो पूरा का पूरा जो है सो लोक समाज जो है ज़्यादा अनुशासित होता है संस्कृति से, जो ज़्यादा सभ्य समाज उतना अनुशासित नहीं होता है, कम होता है उसके, होता है लेकिन बनस्पत कम होता है। तो मेरा कहने कि हमारा सोचने का जो तरीका है, देखिएगा कि उसी के साथ एक संस्कृति में एक अंधविश्वास का भी पार्ट आ जाता है। कुछ रूढ़ियाँ हैं, कुछ परंपराएँ हैं, कुछ रीति रिवाज है, और वो क्या है कि आपको कई ऐसी चीज़ें हैं जो संस्कृति पिछड़ जाती है, इसको कल्चरल लेग बोलते हैं, संस्कृति का पिछड़ जाना। जैसे मान लीजिए झारखंड की संस्कृति को हम लेते हैं, तो झारखंड के संस्कृति के जो वाइटल कंपोनेंट्स हैं वो है, देखिएगा पहला है कि आपको श्रम, समता, सहअस्तित्व, सहयोगात्मकता, समरसता, सरलता, उसके बाद है कि प्रकृति की ओर अभिमुखता,
ये सारे जो है सो इसके कंपोनेंट्स हैं। एक छूट गया सामूहिकता, यहां छूटा सहित्व, यहां है कि सामूहिकता। ये सारी चीजें आपके झारखंडी लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन में दिखाई पड़ेगी। ये तय करता है कि आप क्या कर, कि आपके सारे जो एक्टिविटी है सारी गतिविधियों इसी से आपको ये होती है। श्रम है आज नहीं हो रही, अगर देखिएगा कि इसमें कई चीजें पिछड़ गई वो कल्चरल लेग मतलब समाज के अनुसार जो है सो टाइम फैक्टर में वो फिट नहीं हो पा रहा है, बट हमारा कल्चर है ये। श्रम है कि झारखंडी आदमी बिना काम किए खाने की बात ही नहीं सोचता, मेहनत करेगा पूरा। एक बार हम थे आपको वहाँ उसमें झारखंड लोगों से पहले एक एवीडी ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे, यहाँ मिनी सेक्रेटरी था ना तब, तो जलाल मीना करके अब गुमला के डीसी आए थे, तो वो उन्होंने कहा कि उन्हें बता रहे थे भाई मैं गुमला का डीसी हूँ, मैंने देखा है झारखंडियों पर इतना मेहनत करते हुए, इतने मेहनती हुए बियॉन्ड इमेजिनेशन। वो ऐसा उनका स्टेटमेंट था एंड ही वाज फ्रॉम राजस्थान जलाल मीना। तो वो जो है लेकिन क्या हो रहा है उसको, क्या रिवार्ड मिल रहा है उसको, उसका शोषण हो रहा है। झारखंडी आदमी बिना ये किए अगर उसको लगा दीजिएगा, आज की तारीख छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके कल्चर में श्रम है, बोलेगा हाँ हो यहाँ मिट्टी काटे को काट दी, हाँ काट दो, वो कह रखा ना अब चला गया कहीं गायब हो गया दिन भर बिना किसी के, आराम से वो काट दिया 500 की मिट्टी काट दिया। शाम को आया पूछा कितना पैसा भेलो, दे देना बाबू कितना देवे, हाँ नए मांगते लियो पेटवा तो नए मान तो 100 रुपया निकाल के दिया, चल तो हाँ चल जाते। ये श्रम है क्योंकि उसके कल्चर में श्रम बेचने का नहीं है, झारखंडी कल्चर में श्रम बिकाऊ नहीं है, श्रम के बदले श्रम करना है। आप हमारा धान काट दीजिएगा तो हम आपका धान काट देंगे, आज हमारा हर जोत दीजिएगा तो कल आपको हर जोत देंगे, ठीक है ना, आज हमारा पुआर चढ़ा दीजिएगा मचान में तो हम आपको चढ़ा देंगे, आज हमारा घर की बहू लोग औरत लोग तेरा घर का धान रोपेगी तो कल तो मेरा रोप देना, ऐसा वो जो है सो कैसा ऐसा संभव कहाँ है। होमोजेनस सोसाइटी में संभव है ना, एक समरस सोसाइटी में जहाँ ऊंचा नीचा का बहुत ज़्यादा अंतर होगा तो नहीं करेगा ना, बड़ा आदमी है कैसे आपके यहाँ धान काटने जाएगा। तो वो आज की तारीख में क्या होगा कि श्रम जो है, श्रम होगा हमारा शोषण का एक जरिया हो, माध्यम हो गया, हम इसके द्वारा हमारा शोषण काफी हुआ और हम एक चुप रहे क्योंकि हमारा कल्चर परमिट नहीं करता है इसका दाम मांगने का, श्रम बेचा नहीं जाता है यहाँ। लेकिन अब तो जब देखा कि मान लीजिए श्रम जो है सो हम करते हैं दिन रात खटते हैं सर, दिन रसातल में चले जा रहे हैं और जो हमसे काम करा रहा है देखते देखते 5 मंजिला खड़ा कर लिया, क्यों, तू सोचा कि साला काम ही करना बेकार है, अब काम करना बंद कर दिया, बोला कि साला झारखंड का काम चोर होता है, वो गया इधर से भी और उधर से भी गया, वो उसका कल्चर के कारण उसका शोषण होना शुरू हो कर दिया। ये झारखंडी कल्चर, इक्वलिटी इतना है यहाँ तो, इतना भारी इक्वलिटी है, मैंने तरह के समानता, एक तो सोसाइटी में समानता है ही, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, ना बड़ा है ना छोटा है, औरत स्त्री पुरुष के बीच में भी समानता है। अभी हमारे डिपार्टमेंट में ऑक्सफोर्ड से कुछ आए थे रिसर्चर लोग, वो बोला कि दोनों वाइफ हस्बैंड था, तो उनका कि जो है सो हम लोग लोहरदगा क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो जब हम आए शुरू में तो मैंने 14 साल पहले हम आए थे, 14-15 साल पहले, तो वहाँ देखा सभी औरत मर्द सभी दारू पी रहे हैं एक साथ, सबको एक साथ दारू पीते हुए देखा। अभी जो गए 14-15 साल के बाद तो खाली पुरुष पीता है, औरत लोग वहीं कम पीती है, कहे भाई तो पुरुष बोलता है ऑब्जेक्शन करता है तुमको नहीं पीना है। तो ये जो इक्विलिटी है उच्छरण हो रहा है, अंग्रेज वाले तो पीबंद है पीता है ना भाई, औरत मर्द सब सांगे साथ ही पीता है। हाँ ये
सहअस्तित्व है, हाँ है ना, को एग्जिस्टेंस सहअस्तित्व। संस्कृति एक निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब कुछ? हाँ ठीक है, हमारा पूर्व का दिया और रीति रिवाज कुछ बोल रहा है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ ठीक है, उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए पॉइंट को, तो वही लोग बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो कुछ बताएं संस्कृति, थर्ड पॉइंट सहअस्तित्व लिखा हुआ है ना, तो लिखा को बच्चे हाँ, से लिखा तो सहअस्तित्व, हम अभी उस पर आ रहे हैं, हम सोराम आ रहे हैं। तो ये जो है समता में स्त्री पुरुष की समानता है, व्यक्ति व्यक्ति की समानता है, यहाँ मतलब हमारा जो है सो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है सोसाइटी में, स्त्री पुरुष के बीच में बहुत ज़्यादा भेद नहीं है, स्त्री भी खटती है पुरुष भी खटता है, दोनों साथ पीते हैं दोनों साथ जाते हैं, ऐसा कोई पर्दा नहीं है। आप देखिएगा कि दूसरे सोसाइटी में आपका पर्दा सिस्टम है, महिलाएँ बाजार नहीं जाएंगी, महिलाएँ काम नहीं करेंगी, महिलाएँ घर से बाहर नहीं जाएंगी, पर्दे के अंदर रहेंगी, और पुरुष नहीं चाहता है कि मेरी महिला बाजार सरेआम जाए, किसी से हंसे किसी से बोले, कभी भी उसको परमिट नहीं करेगा, तो वहाँ इक्वलिटी नहीं है सोसाइटी में, इस सोसाइटी में। और इसका होता क्या है, कह रहे इन लोग का कोई वैल्यू है, औरत मर्द जिसके तेज के साथ घूमती घामती रहती है ये, तो ये जो है सो यहाँ भी आज कल्चरल क्राइसिस में श्रेणी में ये भी आ गया। सहअस्तित्व तो ऐसा है यहाँ, अभी एक सवाल पूछा था एक लड़के ने, सहअस्तित्व क्या है यहाँ, देखिएगा कि कभी झारखंड में सुना कि भाई बिहार का आदमी मार के भगाओ, आज तक कोई घटना ऐसी हुई है? नहीं घटना हुई, कारण ऐसा मत समझिए कमजोर है, कमजोर नहीं, उसका कल्चर परमिट नहीं करता है। देखिएगा बोलेगा क्या जानते हैं, जाए नहीं बेचार, बोलेगी तो ठीक है समस्तीपुर के हो रहे भगाओ सार के, बोले जाए नहीं बेचारा के रहते तो की करे तो यहाँ, अगर ना है तब नहीं आए लो, समझे ना, कुछ नहीं आराम से उसको स्वीकार कर लेगा, ठीक है। तो वो जो है सो आपको वो सहअस्तित्व, और फिर देखिएगा कि आप हम बता रहे हैं कि उदाहरण कई जगह देखिएगा कि यहाँ झारखंड में कोई कास्ट के बेसिस पर कोई टोला मोहल्ला नहीं है, एक ही टोले में सभी लोग मिलेंगे, एक ही गांव में एक बड़ा उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल इसको है एक साथ, ऐसे एक ही मेरे ही गांव में उदाहरण लीजिए, मेरे गांव में एक ही मोहल्ला में इधर एक बेदिया जनजाति है, उसके सटले को महत्व है, उसके ठीक इस साइड में मुसलमान घर लोग हैं, उसके बगल में मुंडा जी है, उसके बगल में लोहार है, ठीक है ना, और उसके बगल में एक ब्राह्मण भी है, एक ही टोला में सब किस्म के जात है और विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट दे आर लिविंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। तो ऐसा ऐसे ऐसा साहित्य वाला समाज मिले, हम आपको बता रहे मेरे बगल में गांव है, बगल में हरिजन है और बगल में महतो जी है, और दोनों कितने सालों से रह रहे हैं बट कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों के बीच में, ऐसा दूसरा समाज में नहीं देखने को मिलेगा आपको। हरिजन बस्ती गाँव से बाहर रहती है बिहार वगैरह में, ऑल ओवर इंडिया देखिए ना, हरिजन बस्ती गांव से बाहर रहती, और इसके कारण भूल हुई है कई बार, आपको 80 के आसपास जो है सो हरिजन कॉलोनियाँ बन रही थी उस समय, झारखंड में भी हरिजन कॉलोनियाँ बनी तो गांव से बाहर बना दी गई, और कोई आदमी उसमें नहीं गया, क्यों नहीं गया भाई, उनको समझ में नहीं आया कि यहाँ का जो जो सोशल जो स्ट्रक्चर है सामाजिक संरचना के बारे में उसको जानकारी नहीं थी बाहर के आदमी को, उनको लगा कि यहाँ के हरिजन और यहाँ के आदिवासी भी गांव से बाहर रहते होंगे, उन्होंने गांव से बाहर बना दिया, और कोई नहीं गया वहाँ रहने के लिए, लास्ट में उसको दिया खा के ख़त्म हो गया। क्लस्टर्स मिलेंगे आपको बहुत सारे झारखंड के गांव में बाहर इलाके में, जो आपके हरिजन कॉलोनी क्लस्टर्स मिलेंगे, उनको वहाँ लोगों ने जाना छोड़ दिया, मैंने गया ही नहीं कभी, फिर बाद में उसका रिव्यू हुआ, पता चला कि भाई ये लोग तो चूंकि सब गांव के अंदर रहता है तो यहाँ कैसे रहेगा लोग जंगल में, तब अभी यहाँ दूसरे यहाँ ऐसा ऐसा प्लानिंग है, फिर से रिव्यू करके ऐसा कहा गया कि यहाँ जो कॉलोनियाँ दी जाए उनके जो मकान दिए जाए जहाँ हैं वहीं दिया जाए, इसलिए यहाँ एक ही टोला में एक ही मोहल्ला में सब जात के लोग रहते हैं, कोई किस्म का झगड़ा नहीं। तो ऐसा सोसाइटी
सोसाइटी स्वास्थ्य तो वाला सोसाइटी कहाँ मिलेगा, कहीं झारखंड से बाहर कहीं नहीं मिलेगा आपको, हिंदुस्तान की बात कम से कम कर रहे हैं। सहयोगात्मा सहयोगात्मकता माने कोऑपरेटिव जो है सहयोग करता है इसमें, वो कोई भी काम एकदम ऐसे देखिएगा कि आज उसका धान बुनना है तो पूरा मोहल्ला का आदमी हर जोत ले से चल जाएगा और पैसा उसे कुछ नहीं लेगा, बढ़िया सा फिस्ट खाएगा, बढ़िया से भोजन वोजन करेगा, दारू वारू पिएगा पूरा ठाट से, है ना, खाएगा पिएगा काम करता, कोई उसको इसको क्या बोलते हैं कोई परिश्रमिक नहीं लगता है। ये सहयोगात्मकता है। समरसता तो एकदम होमोजेनस सोसाइटी बिल्कुल, कहीं कोई ज़्यादा ही नहीं है, ऊँच नीच नहीं है। सरलता तो इतना है कि जूता मार दीजिए तब कुछ नहीं करेगा वो, है ना। और सामूहिकता कलेक्टिवनेस जो है, यहाँ हर चीज़ देखिए, नाचना भी है तो समूह में, गाना भी है तो कोई अकेले नहीं गाता है कभी कोई यहाँ झारखंड में, झारखंड में झारखंड के अंदर में कोई गाने के अकेले नहीं है, स्टेज शो नहीं के अकेले गा रहे हैं, अब शुरू हो गए बात अलग है, तो वो नहीं है। जो भी होगा समूह नाचेंगे तो समूह में नाचेंगे। कर्मा पर्व देखिएगा पूरे बिहार में मनाया जाता है, कर्मा पूरे बिहार में है, झारखंड समेत पूरे बिहार में भी है, लेकिन वहाँ दूसरे अर्थ में है, गांव घरे घरे मनाता है लोग, मुजफ्फरपुर साइड में मनाता है लोग कर्मा। हम एक बार कर गए थे बाजार में मुजफ्फरपुर में, पूछे कि भाई खीरा लेना था, हम लोग खीरा छे तो बोलता है कि खीरा तो आज नहीं छे, कहे भाई तो आज कर्मा कर्मा धर्म पर्व छे ना, हम लोग कर्मा धर्म यूँ मनाता है, हाँ कर्मा पर्व छे ना, हाँ हाँ कर्म कर्मा धर्म पर्व छे ना, हमको तो मेरा कहना है कि वहाँ घरे घरे मनता है, जितिया देखिएगा वहाँ घरे घरे मनता है, हम लोग यहाँ देखते हैं जितिया भी समूह में मनाता है, ये सामूहिकता हर चीज़ वो यहाँ सामूहिक रूप से यहाँ है, नाचता भी तो कमर में कमर हाथ सटा के नाचते नाचेगा, वो अकेले नहीं नाचेगा, कथक वगैरह क्या क्या नाचते लोग अकेले अकेले ना, ऐसा नहीं है नाच सब, वो आपका हर गतिविधि में आपको सामूहिकता दिखाई पड़ेगी, ये जो है सो। और प्रकृति की विमुखता, प्रकृति के तरफ जो है झुका हुआ है इनका आचरण, इनका फ्रेंडली बिहेवियर है फ्रेंडली प्रकृति के साथ में, जितनी इसकी ज़रूरत थी उतना ही लेता रहा है प्रकृति से, कभी वो जो है सो लालची नहीं हुआ, परिणाम स्वरूप जो है आपका प्रकृति के प्रति इनका दोस्ताना स्वभाव होने की वजह से प्रकृति को हानि कभी नहीं पहुँचा। आज जो जो एक लालच है, आज जो चरम पर ना लालच है, मन आदमी का लालच ही पूरे प्रकृति को नष्ट किया है। यहाँ देखिएगा कि अभी शिव शरण जी ने बयान दिया था यहाँ की भाई महिलाएं काट के ले जाती हैं लकड़ियाँ, ठीक है ना, तो बहुत पहले नहीं होता था इस तरह, उतना ही लाता था जितना उसको ज़रूरत था। ये ऑनरशिप जो है ना कंफ्यूज कैसे कर गया, जो जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले गांव का लोग भी जाता था तो जिसकी जितनी ज़रूरत थी उससे बेसी लाता नहीं था, एक खूंटा चाहिए तो एक एक खूंटा लाता था। उसके बाद जब आज़ादी हुई देश की तो सारे जंगलों को कूप सिस्टम करके ठेकेदारों को दे करके कटवा दिया, गांव का लोग देखता रह गया, गांव का लोग पूछने गया बोला कि पैसा लगता हो, बोला अरे हमको सब दिन अपना समझ रहे थे आज पैसा पैसा की बात बोलता है, उस दिन लगा कि सारा जंगल हमारा नहीं है, जंगल उसका है, तब से एक की जरूरत है तो चार को ले आया, एक एक खूंटा की जरूरत थी तो चार को काट के ले आया, तो वो लकड़ी चोर हो गया, चूंकि ओनर से उसका ये कर गया ना, अब पहले मालिक था तो नहीं करता था ऐसा, तो ये जो है प्रकृति की तरह जो अभिमुख था हमारा सोसाइटी, ये सारे कंपोनेंट्स आपके झारखंडी कल्चर में दिखाई पड़ेंगे, इंक्लूडिंग आपका खोटा कल्चर जो है वो झारखंडी कल्चर ही है, ठीक है ना, तो ये सारे चीज दिखाई पड़ेंगे आपको। और इसी में से देखिए संस्कृति में से आप ही पूछता है एक बस इम्पोर्टेंट है आपको पाठ, आपको इसमें निबंध में, निबंध में पाठ है संस्कृति में, कोई भी पर्व त्यौहार पूछ सकता है ना, चाहे वो सांस्कृतिक इससे संस्कृति से संबंधित एक सवाल कहे गए, तो ये जो है सो आपको झारखंड का मैंने हमारा अभी झारखंड के बारे में भाषा साहित्य प्रजाति और संस्कृति इन सारी चीज़ों की समझ हम बना रहे थे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें मैंने कहा था कि
जो इसमें आर्य प्रजाति जो है ये जो है आर्य प्रजाति जहाँ झारखंड में जो है वो कहलाते हैं सदान, और सदानों की भाषा है सदानी, ठीक है। और सदानी की चार सदस्य भाषाएं हैं कोठा, कुरमाली परगनिया नागपुरिया, ये आपकी चार भाषाएं हैं। इसमें अब सदान कौन लोग हैं, सदान किनको बोलेंगे, इसको मोटे अर्थ में बोल सकते हैं सदान, इसको सीधे सीधे अर्थ में बोल सकते हैं सदान गैर जनजातीय, बट ये गैर जनजातीय सदान मतलब गैर जनजातीय, तो क्या सभी जितने सारे लोग हैं गैर जनजातीय क्या सभी सदान हैं? सदान कहने का मतलब है कि झारखंड का वैसा गैर जनजातीय समुदाय सदान कहलाएगा जिसका झारखंड में होने का रहने का सैकड़ों हजारों साल का इतिहास हो और झारखंड के निर्माण में जिसकी भूमिका हो। निर्माण का मतलब झारखंड राज्य अलग वर्ग में बात नहीं हो गए, झारखंड के निर्माण में मतलब क्या है, यहाँ के जगहों का नामकरण होना, जैसे दामोदर नाम हुआ, पार्श्वनाथ नाम हुआ, है ना, तो ये सब मान लीजिए कि वो आपको बहुत सारे शब्द है, जैसे मैं आपको सुवर्णरेखा नाम हुआ, ये सब तो जनजातीय नाम नहीं है, सब ये आर्य भाषा के शब्द हैं। तो इन सारे जो नाम रखा गया राष्ट्र तो नहीं है, तो ये इस प्रमाणित करता है कि इनकी जो स्थिति कितनी पुरानी रही है, ये कितने आदिम युग से यहाँ निवास करते रहे हैं। जैसे आपको शरद चंद्र राय ने कहा कि कुर्मियों का इतिहास झारखंड में 2000 सालों का है ना, तो यहाँ जो है सो गैर जनजातीय समुदाय में पहला आने वाला कुर्मी लोग था। आज तो कुर्मी लोग बोल रहा है कि हम यहीं के हैं, असुर से भी पुराना है, लोग गलत बोल रहे हैं, बोलते हम यहीं के मूल हैं, हम आदिवासी हैं, झूठों बोल रहा है। अरे आए हो तुम बाहर से, सीधी से बात है। तो वो जो है सदान जो ऐसा गैर जनजातीय समुदाय जिसका झारखंड के जिसका हजारों साल का झारखंड में रहने होने का इतिहास हो और जिसकी जो है सो अपनी एक भाषा हो, अपनी एक संस्कृति हो, है ना, और झारखंड के निर्माण में जिनका योगदान रहा हो, ऐसा जन इधर पिछले 50 सालों में अगर कोई आया है तो वो सदान नहीं कहलाएगा, ठीक है, यहाँ की कल्चर को नहीं मानता है, यहाँ के सभ्यता को, यहाँ के जो है सो यहाँ की भाषा नहीं जानता है, तो ना उस यहाँ की भाषा जानता है ना यहाँ के कल्चर से सुमेल है, तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सो अब है कि ऐसे लोगों की जो भाषा है वो सदानी कहलाती है, और सदानी की चार सदस्य भाषाएं हैं, सदस्य भाषाएं हैं, तो ये हमारा ये टारगेट हमारा कोठा है, कोठा को हमको जानना है, ठीक है, कोठा भाषा क्या है, कहाँ की भाषा है और कौन लोग इसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं अभी कुड़माली वाले बोल रहे हैं कि कुड़माली कुर्मियों की भाषा है, तो अब कई लोग बहस करते हैं कि कोठा कोई भाषा नहीं है, ये तो को किस जाति की भाषा है, तो उसका जवाब हम पूछते हैं कि तू बताओ हिंदी किस जाति की भाषा है, मराठी किस जाति की भाषा है, बंगला किस जाति की भाषा है, ये बेवकूफ़ी भरा सवाल है। वो बोलते हैं कि कोठा कुर्माली का है एक प्रकार है, हम अगर कहें कि कोठा कुर्माली कोठा का ही एक प्रकार कुर्माली है तो, और यही सत्य है, कोठा का बंगला प्रभावित रूप कुर्माली है,
कोठा का ही बंगला प्रभावित रूप कुरमाली है, जो कुछ साल पहले तक सो कॉल्ड कोठा भाषा कुरमाली भाषा भाषी लोग कहते रहे हैं हमारा मायकोरवा भाषा कोठा, 70 के आसपास कहा है लोगों ने। एक शाल पत्र पत्रिका निकलती थी झारखंड, इसमें जमशेदपुर से नहीं धनबाद से, उसमें संपादक हुआ करते थे आपको वीर भरत तलवार जो JNU के प्रोफेसर हुआ करते थे, तो उस पत्रिका में एक लक्ष्मीकांत महतो आपको कुर्मियों का लीडर है, वो लिखा है कि कुर्मियों की मैंने हमारा मायकोरवा भाषा कोठा, अब अभी वकालत कर रहा है कुरमाली का, कुरमाली का मतलब है कि कुर्मियाली, कुर्मियों की भाषा कुर्मियाली, कुर्मियाली से कुरमाली में बंगला प्रभा कोठा कहीं बंगला प्रभावित रूप कुरमाली है, एकदम स्पष्ट है। बहस करने अलग बात है। तो ये जो है सो देखिए कि ये इस कोठा हमारा टारगेट है। अब सवाल है कि कोठा हम का क्षेत्र कहाँ है, कहाँ बोलते हैं कोठा को, बस यहाँ देखिएगा कि इसमें दक्षिणी छोटनागपुर प्रमंडल, नो नो यहाँ देखिएगा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ठीक है, दूसरा संथाल परगना प्रमंडल और तीसरा पलामू प्रमंडल, ठीक है ना। पलामू से कोठा को बहिष्कार कर दिया है, मैंने इसको क्या बोल सकते हैं कि कई जो सत्ता के में ज़्यादा सत्ता के गलियारों में जिनका पहुंच बड़ा है, सरजू राय हैं, गिरनाथ सिंह हैं, इन लोगों ने कह दिया कि पलामू की भाषा मगही और भोजपुरी है, जबकि सत्य नहीं है। है क्या कि वास्तविकता ये है कि वो जो है सो वहाँ जो दबंग समुदाय है, राजपूत हैं चाहे ब्राह्मण लोग हैं, हैं बहुत लिमिटेड में है बहुत, लेकिन वो आपका जो है सो क्या प्रभावशाली वर्ग है। अब प्रभावशाली वर्ग जो उन्हें न्यूली लोग आए हैं हालिया समय में, उनकी भाषा नो डाउट मगही है और भोजपुरी है। तो जो बड़े लोगों की भाषा अगर वहाँ को अगर वो क्या नाम है इसको प्रभावशाली समुदाय की भाषा या उसके आचरण या उसके संस्कृति को निचला समुदाय स्वीकार एक्सेप्ट करता है। भाई अंग्रेजों का अंग्रेज तो हमारे यहाँ बहुत कम थे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान को अंग्रेज बना दिया ना, सारे लोग धोती कुर्ता छोड़ करके सब पैंट में आ गए। तो इसलिए वहाँ देखिएगा कि वहाँ का जो लोकल समुदाय है वो बिल्कुल कोठा बोलता है। हम लोगों ने एक सर्वे किया था आपको 2010 में, नहीं यस 2010 में, वो है PLS पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे, लिंग्विस्टिक सर्वे ये है, इसमें वडोदरा में एक संस्थान है भाषा संस्थान, उसके माध्यम से किया था और मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था कोठा क्षेत्र का, और एक बकायदा वो गजेटियर निकल चुका है आपको उसमें से, ये भी हुआ है क्या नाम है राष्ट्रपति का सही होकर किताब बुक फॉर्म में आ भी गया है। उसमें ये कोठा बिल्कुल यहाँ पलामू प्रमंडल की भाषा कोठा है। अब वो लोग सत्ता में पकड़ है उनकी, तो इसलिए गिरनाथ सिंह वगैरह प्रभावशाली लोग हैं, सरजू राय वगैरह प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने कह दिया अभी जो है सो वहाँ टीचर की बहाली कोठा टीचर की बहाली नहीं होगी वहाँ, ठीक है, आपको उससे ज़्यादा संबंध नहीं है। तो ये जो है सो यहाँ तीन प्रमंडलों में ये भाषा बोली जाती है कोठा, और इसमें जिले कितने हैं, इसके जिले कितने हैं, 16 जिले हैं, गिन के देखिए 16 जिले इसके अंदर आते हैं। वो है आपको पहले जाइए यहां से कीजिए रामगढ़, हजारीबाग,
चतरा कोडरमा गिरिडीह और तीन पांच उसके बाद हजारीबाग चतरा कोडरमा गिरिडीह पलामू लातेहार गढ़वा फिर है आपको उसके गोड्डा साहिबगंज इसमें छूट गया थोड़ा सा बोकारो छूट गया नहीं यहाँ बोकारो छूट गया बोकारो धनबाद छूटा ना हाँ एक धनबाद बाकी पलामू लातेहार गढ़वा गोड्डा ये सब साहिबगंज है जामताड़ा है दुमका देवघर 16 जिले हैं ठीक है 16 जिले इसके अंतर्गत आते हैं और आबादी कितनी है नो सरायकेला नहीं सरायकेला नहीं है नो वो कुरमाली क्षेत्र है वो पाकुड़ है मतलब पलामू प्रमंडल के सारे हजारीबाग प्रमंडल के सारे और आपके संतालपना के सारे 16 जिले आते हैं थोड़ा सा रांची जिला का भी कुछ पार्ट पकड़ता है लेकिन उसको लोग नहीं काउंट कर रहे हैं लेकिन 16 जिले अब है कि ये आपको देखिएगा कि आबादी कितनी है आबादी देखिएगा कि 2001 के सेंसस में 49 लाख लोगों ने दर्ज कराया था मदर लैंग्वेज के रूप में कोटा को फिर 2011 में मतलब 85.9 मिलियन मतलब कितना हुआ 90 लाख के आसपास नहीं 85 नहीं हाँ तो हाँ 8.5 10 लाख होते हैं 8.5 मिलियन तो ये है कि आपको मतलब 85 लाख लोगों ने दर्शाया है आपको ठीक है ना अगला जो 2022 में होगा 21 में होना था नहीं हो पाएगा तो हम लोग टारगेट बनाए हैं कि कम से कम 1 करोड़ लोग अपना नाम दर्ज कराएं वैसे तो आबादी में लिखते हैं लोग आपको 1.5 करोड़ लेकिन जो ऑथेंटिक है जो आपको डॉक्यूमेंटेड है उसको हम लोग जिक्र करेंगे ठीक है ना तो ये जो है सो आपको सामान्य से जानकारी हुई हाँ बिल्कुल दे सकते हैं पीएलएस के आधार पर जो है आपको ये है वो हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास है ठीक है ना तो ये पीएलएस जो हुआ था 2010 में तो ये जो है सो आपका ये है अब है देखिएगा हम चले आते हैं उद्भव विकास पर यह पहला चैप्टर आपको है कोटा भाषा का उद्भव एवं विकास अब है कोटा भाषा के उद्भव विकास को लेकर के इसमें हम दो बात पहले सबसे पहले जो बात आती है बड़ा कंफ्यूजन है देखिएगा कि यहाँ कोटा एक शब्द है प्लस भाषा है इस शब्द को लेकर के लोगों में बहस है मुख्य रूप से अक्सर बोलते हैं एक्चुअली एक समय के बाद तो कोटा वो रूढ़ हो जाता है भाषा के लिए कोटा कहने मतलब भाषा लेकिन कोठा शब्द पर जो है सो विद्वानों में मतभेद है कोठा शब्द आया कहाँ से इसकी उत्पत्ति पर लोगों में मतभेद है कोठा शब्द आया कहाँ से जैसे इसमें दो तीन मत है पहला है आपको एक के झाजे का मत है हम इस पर बात कर रहे हैं भाषा पर बात नहीं कर रहे हैं एक के झा और दूसरे हैं कृष्ण चंद्र दास आला आला
एके झा और कृष्णचंद्र दास आला, ये दो लोग हैं जो इस पर इन्होंने अपना मत दिया है। और एक आदमी और हैं जो हम बाद में बोले, इसको एक आदमी और भी है इसमें आपको, नरेश नीलकमल, तीनों आज इस दुनिया में नहीं है। नरेश एके झा, कृष्णचंद्र दास आला और नरेश नीलकमल, ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें अक्सर क्या होता है कि लोग, हम लोग जब बात करते थे तो लोग कोठा जैसे बोले ना, उसे भाषा पर चलाता था और हम लोग को अक्सर चिढ़ाता था। अब देखिएगा कि एके झा जी का कहना है कि कोठा शब्द की व्युत्पत्ति जो है खरोष्ठी से हुई है, खरोष्ठी शब्द से हुई है। खरोष्ठी भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक लिपि थी और इसका कुछ मिला है संकेत आपको हड़प सिंधु घाटी सभ्यता में, इसका कुछ मिला है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है बढ़िया से, लेकिन ये जो है सो आपको विदेशी लिपि ही थी, ऐसा इनका मानना है कि विदेशी लिपि थी और वो दाहिने से बाएं लिखी जाती थी उर्दू की तरह, और वो वार्णिक प्रकृति की लिपि थी। वार्णिक समझते हैं, लिपि के दो तरह होते हैं, नहीं नहीं वो तो चित्रात्मक लिपि नहीं होती है, वो आपका एक फेज है, लिपि बनने का जो प्रक्रिया है प्रारंभिक फेज है। लिपि दो तरह की होती है, एक वार्णिक दूसरी होती है आक्षरिक। वार्णिक लिपि जैसे देखिएगा, पहला है कि आपको वार्णिक और आक्षरिक, ये जो है सो इसको बोल सकते हैं इसको अल्फाबेटिक और इसको बोल सकते हैं सिलेबिक। यह है कि आपको आक्षरिक और वार्णिक में अंतर समझिए कि आक्षरिक में दो वर्ण होते हैं, जैसे क है प्लस अ है तब कहीं आपको क बनता है, क में अ जुटा हुआ है तब आपको, क्योंकि दो वर्ण लगे, और इसमें सार वार्णिक में एक ही वर्ण होता है, इसलिए देवनागरी आपको आक्षरिक लिपि है और रोमन आपको वार्णिक लिपि है, ठीक है ना। देखिएगा कि अगर हम लिखेंगे, अगर मान लेंगे हम लोग तो क म, देखिएगा अ जितना है सब निकल जा रहा है कमल में, कमल में लिखेंगे तो आपको क में भी अ है, म में भी अ है, ल में भी अ है, वो निकल जा रहा है इसमें, आप ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो ये जो है सो आपको इनका कहना है कि आपको ये खरोष्ठी लिपि कैसे मिटेगा जी, तो इसमें देखिएगा इनका कहना था खोठा का कि खरोष्ठी से खरोठी, खरोठी से करोठा और करोठा से फिर इधर खोठा ऐसा बना, क्योंकि ध्वनि के परिवर्तन होता है, हम लोग जब वर्ण के शरीर में आएंगे तो ध्वनि में कैसे परिवर्तन होता है हम लोग देखेंगे, जब फोनेटिक हम लोग पढ़ेंगे खोठा फोनेटिक्स पर तब दिखाई पड़ेगा वो कैसे चेंज होता है। तो वो देखिएगा खरोष्ठी शब्द था उससे खरोठी, खरोठा से फिर खोठा शब्द बना, मतलब इनका कहना है झा जी का कि खरोष्ठी से खोठा भाषा जो वर्तमान में है उसका संबंध किसी न किसी रूप में रहा है। कारण क्या है, इनका कहना है कि चूंकि वो खरोष्ठी लिपि तो बिल्कुल वो आपके पश्चिमोत्तर प्रांत में थी वो सब लिपि, तो वहाँ जो हड़प्पन सभ्यता में इसका कुछ पाया गया है अवशेष वगैरह, इनका कहना है कि झारखंड में जो लोग खोठा प्रयोग करते हैं वो लोग या खोठा भाषा भाषी लोग हैं चाहे अनार्ज भाषी लोग भी हैं, वो आरंभ में चूंकि द्रविड़ लोगों की सभ्यता थी, वो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता थी,
और जब वहाँ आर्यों का आक्रमण हुआ तो उसमें द्रविड़ लोग भाग के एक सेक्शन यहाँ भी चलाया, झारखंड में भी चलाया, एक सेक्शन चला गया आपको साउथ में, बाकी एक सेक्शन छोटा सा एक सेक्शन यहाँ भी पहुँच गया। और कोठा भाषी लोग या फिर झारखंड के जो बोलने वाले लोग हैं वो उनका संबंध द्रविड़ भाषा वहाँ से सिंधु सभ्यता से कुछ न कुछ है। इसका प्रमाण उन्होंने दिया है कि हमारे यहाँ जो दिखेगा जो आपको सॉलिड काठ का चक्का का प्रयोग हमारे यहाँ है, अभी भी स्टील प्रयोग में है, देखे हैं इसको सगाड़ गाड़ी बोलते हैं, सॉलिड काठ का पूरा काठ का एक एक चक्का बना दिया। देखिएगा कि इधर इस तरह से आपको ठीक है, और यहाँ देखिए ऐसे करके ऐसे बैलगाड़ी बना दिया, अभी प्रैक्टिस में है। बड़का गांव जैसा जगह में तो आपको बहुत ज़्यादा है, हाल हाल तक इरबा उरबा में हुआ करता, हमारे गांव में भी था, अब हमारे गांव में इसे प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन पुराना चक्का कहीं कोठौठे में रखा होगा अभी, हो अभी भी बड़का गांव में तो हर घर में मिलेगा आपको ये तो। और यही ये सॉलिड काठ का चक्के का प्रयोग आपको सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है। इतनी सिमिलरिटी के पीछे क्या कारण क्या है, झा जी का कहना है निश्चित तौर पर वहाँ से लोग भाग करके आए और वो लोग यहाँ सेटल कर गए हैं, और खोठा का संबंध कहीं न कहीं वहाँ से है। चूँकि खोठा उन्होंने कहा कि चूँकि सिंधु सभ्यता द्रविड़ सभ्यता थी, अनार सभ्यता थी, इसलिए खोठा को उन्होंने कहा कि खोठा का आधार अनार्ज भाषा है, खोठा को उन्होंने अनार्ज भाषा भी कहा। लेकिन आज का जो स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप खोठा का, वो किसी भी तरह अनार्ज भाषा जैसा दिखता नहीं है, इसलिए हम इसको मान के चलते हैं कि आर्ज भाषा के श्रेणी में इसको रखा गया है। अभी कुर्मानी लोग अभी बोल रहे हैं कि हमारी भाषा द्रविड़ भाषा है, कहीं भी आपको स्वरूप नहीं है द्रविड़ का, इसलिए उनको जबरदस्ती करने से अच्छा है कि स्वीकार कर लेना चाहिए आर्ज भाषा है। तो ये जो है अब एक ऐसा मानना था, अब देखिएगा कि है भैया, हाँ चलिए सब मिटा देते हैं। इसमें क्या है, अब आला जी का कहना है, हम लोग अभी उस सब उसी पर आ गए, आला जी इस कृष्ण चंद्र आला, इनका कहना है कि करोष्टी से कोई लेना देना खोटा शब्द का नहीं है, एकदम स्पष्ट इनकार कर देते हैं कि डिनाय करते हैं कि ये खोठा से इसका कोई लेना देना नहीं है खरोष्टी का, ठीक है। उनका कहना है कि खरथी एक शब्द है खोठा में, खरथी खट्टी समझते हैं, खट्टी को है ना, खट्टी पूछते हैं ना, अरे भाई एस्केप जो होता है घाव में जो पपड़ी जो पड़ता है, हाँ खोठी है ना, पपड़ी पड़ता है, तो उनका कहना है कि खर्थी माने प्रकृति, इन्होंने कहा। अब प्रकृति खोठा में कैसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि खर्थी मतलब प्रकृति, आला जी का। क्यों कहा कि पृथ्वी में आपका, पृथ्वी में एक ऊपरी जो परत है भूपर्पटी, ज्योग्राफी पढ़ने वाले जानते होंगे, अर्थ क्रस्ट है ना, जो खोटी की तरह बनता रहता है उतरता रहता है पृथ्वी में, इस आधार पर उन्होंने कहा खट्टी माने प्रकृति, इस आधार पर उन्होंने कहा कि खट्टी माने प्रकृति। और तब इनको फिर हमने कहा कि भाई तो खट्टी माने प्रकृति, तो बोला कि उन्होंने कहा कि खट्टी से भाषा बनी है इसलिए इसका नाम हुआ खर्ठा, नोट खोटा खर्ठा। मैं और जिदाए हुए थे ये कि नहीं ये सो खर्ठा ही होगा, खोटा नहीं होगा। हमने उनको कहा कि आला जी अगर कोई बंगाली अगर बोलेगा इसको कैसे बोलेगा, खट्ठा ना बोल के खट्ठा बोलेगा ना, खोटा एक खोटा से खोटा होगा कि नहीं होगा, हाँ हवे तो पारे
इनका कहना था कि हाँ हवे पारे मगर एटाई सही हो तो मुझे बात को उनका कहना है कि ऐसा हवे पारे जैसे हम बोलते हैं ना भाई दही हाँ बंगला में बंगला प्रभाव से एक्चुअली दोही होता है तो दही से फिर दोही हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं दोही तो ये जो है आपका दही दोही दोही सिमिलरली ऐसा होगा कि नहीं होगा बोलते हैं हाँ ऐसा तो हवे पारे उनका कहना है कि थेथर वाला हिसाब है कि हवे पारे मगर एटाई है तो एटाई सही कारण क्या है कि झाजी के साथ में उनका पड़ा सियासी का क्या बताए रिश्ता था वो देखिए इसको कहा जाता है ना कि भाषाई कंफ्लिक्ट जो है ना लैंग्वेज कंफ्लिक्ट इज द कंफ्लिक्ट ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स मैन हैव नॉट्स का झगड़ा है भाषा का झगड़ा जो है ना वो हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला झगड़ा है तो वैसने है ये आपको आलाजी हरिजन है और वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण इस स्वीकार ही नहीं करते हैं कि ब्राह्मण सब चीज ले जाए वर्चस्व को झाजी में बड़ा बीमार तो हटाई सही हको झाजी बोले हम जो बोल लियो सही था सही तो ये बोला कि हम काहे मानबो तोर बात के ये बोले कि अगर हम पूछे कि ऐसा होगा खट्ठा से खट्ठा खट्ठा से खट्ठा होते ही नहीं हाँ होते मगर हटाई सही है काहे भाई अगर वो खोटा स्वीकार कर लेते हैं तो सारा श्रेय झाजी ले जाएंगे इसलिए उन्होंने जितनी किताबें लिखी खोटा कभी नहीं लिखा उन्होंने खट्ठा भाषा ग्रहण खोटा भाषा साहित्य खट्ठा नॉट खोटा आला जी की हठधर्मिता है ठीक है ना और तीसरे जो आपके हैं आपके तीसरे जो हैं आपके नरेश नीलकमल उनका कहना है कि अपभ्रंश से संबंध है इसका अपभ्रंश खोटा शब्द का संबंध अपभ्रंश से है अपभ्रंश का है एक पार्ट जो था वो है अवहट्ठ अवहट्ठ ठीक है ना अवहट्ठ ये उनका कहना है नरेश नीलकमल का कि खोटा शब्द का संबंध अवहट्ठ से संभावित है ठीक है ना यहां बहस का सवाल यही है लेकिन ये कह रहे हैं कि अपभ्रंश ये है अब तो शब्द की बात हो रही थी अभी तक खोटा शब्द की बात अब हम भाषा की बात करते हैं तो खोटा भाषा इसको बेटा है नहीं अपभ्रंश का ही अवहट कहा जाने लगा था अब बाद में है ना वन देसिल बैना सबजन मिठा ऐसा करके है तो वो है कि आपको अवहट से उनका रिश्ता जोड़ते हैं और कहते भी हैं कि खोटा भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है वो मानते हैं उसको और ये दोनों उसको नहीं मानते हैं एके झाजी और आलाजी खोटा भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से नहीं मानते हैं मैं भी इसको फॉलो करता हूँ मैं भी नहीं मानता हूँ और ये जो है सो नीलकमल जी बोलते हैं कि अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है तीनों उत्पत्ति को दिखाना होगा आपको जो पूछेगा सवाल में ना तो आपको तीनों का देना होगा तो इसमें मिटाएं इसको हम आसान यही वाला है इसमें इनका देखिए इनका कहना है कि आपको झाजी और आलाजी इनका कहना है कि प्रकृति से खोटा भाषा की उत्पत्ति हुई प्रकृति से दोनों का शब्द पर मतभेद है शब्द की उत्पत्ति पर मतभेद है पर भाषा की उत्पत्ति पर दोनों में मतभेद नहीं है इनका कहना है कि प्रकृति है प्रकृति से भाषा की उत्पत्ति हुई क्योंकि प्रकृति मैंने खरती कहते रहे हैं क्योंकि ठीक है ना तो प्रकृति में बहुत सारी ध्वनियाँ मिलती हैं बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और हर वस्तु हर घटनाओं के भी कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं कुछ आवाज़ निकलती है और
हर जो धातु है या हर पदार्थ की भी अलग अलग ध्वनि होती है। लोहा गिरेगा तो या लोहा बजेगा तो आवाज़ अलग होगी, लकड़ी बजेगा आवाज़ अलग होगी, है ना, ढेला गिरेगा, पत्थर गिरेगा, उसकी आवाज़ अलग होगी। तो इस तरह से प्रकृति में बहुत सारे ध्वनियाँ हैं, बादलों के गरजने से गड़गड़ाहट, पक्षियों के उड़ने से फड़फड़ाहट, पत्ते के डोलने से, है ना, पत्ते के डोलने से आवाज़, हवा के चलने से आवाज़, पानी के बहने से सर वो हद 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 करने, है ना, झरना के गिरने से झरझराहट, पानी के बरसने से टिप 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 टिपाहट, इस तरह बहुत सारी ध्वनियाँ प्रकृति में हैं। वो है क्या कि इस तरह की ध्वनियाँ हैं आपको, जैसे मान लिए सर सर, फर फर, गड़ गड़, है ना, रट रट, पट पट, बहुत सारी ध्वनियाँ हैं इस तरह, है ना, टन टन, ढन ढन, इस तरह की बहुत सारी ध्वनियाँ प्रकृति में हैं। और इस तरह की ध्वनि को कहा जाता है द्वित्व। द्वित्व मतलब एक ही ध्वनि दो बार रिपीट हो जाना, है ना। और फिर इसको क्योंकि इसको इसका नाम आपको ध्वन्यात्मक भी है, इसी का नाम ध्वन्यात्मक भी है और अनुरणात्मक भी है, मतलब या अनुकरणात्मक भी है। जैसे अनुकरणात्मक, जैसे देखिएगा कि आपको रट रट हुआ, रट रट उसी का अनुकरण एक बनाया रटपट, झट झट हुआ तो हुआ झटपट, इसी का अनुकरण प्रयोग दूसरी ध्वनि बन गई। इस तरह के जो है सो प्रत्येक लेटर से, प्रत्येक अक्षर से ध्वनियां मिलेंगी आपको, कट कट, खट खट, गट गट, गट गटा कर पी गया, खट खटाया, दांत खटखटाने लगा, हर अक्षर से, हर लेटर से मिलेंगे। ये सारी ध्वनियां प्रकृति में वर्तमान थी, ठीक है, बहुत ये सारी ध्वनियां प्रकृति में वर्तमान थी और आदिम मनुष्य इन सारी ध्वनियों को सुनता रहा होगा, एक हिपोथेसिस है, परिकल्पना है। और पूरी दुनिया के जो भाषा विज्ञानियों ने इस तरह स्वीकारा है, भाषा उत्पत्ति को एक सिद्धांत को लेकर के, एक आरंभिक सिद्धांत क्या था कि जो भाषा मैन मेड नहीं है, इसको ईश्वर ने दिया है, ईश्वरीय जो धारणा थी कि भाषा ईश्वरीय चीज है, अभी भी है, वो कुरान को बोलते हैं आसमानी किताब है, तो शब्द ब्रह्म अलग चीज है। माने संस्कृत में भी स्वीकार किया कि शिव जी के डमरू से बहुत सारी ध्वनियां बनी है, बहुत सारे सूत्र बने हैं उनके डिम डिम से, बहुत सारे वही बात को स्वीकार कर रहा है इस तरह ध्वनियां। तो इस तरह जो है सो आपको देखिएगा कि वो आरंभिक दौर में, अभी देख हिब्रू को बोलते हैं जो जिसमें बाइबल है, बोलते हैं इसको गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने इसको, कुरान को बोलते हैं कि आसमानी किताब है, वेद को भी बोलते हैं कि ये तो अपौरुषेय है, इसको आदमी नहीं बनाया है भगवान, संस्कृत को कहा है कि आपको देव भाषा है। मैंने भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत में जो ईश्वरीय सिद्धांत है वो सिद्धांत खारिज कर दिया गया आज की तारीख में, मतलब है कि एक अनुकरण सिद्धांत, यह प्रकृति का सिद्धांत जो है, ये ध्वनि वाला सिद्धांत है, इसको ज़्यादा सब स्वीकृत इसको मिल रही है। तो ये प्रकृति में जो बहुत सारी ध्वनियाँ थीं, तो इन ध्वनियों के है ना हटो यार, अनुकरणात्मक है, इसको बोलते हैं ओनोमोटोपोइक, इसको बोलते हैं। तो ये सारे द्वित्व हैं, अनुकरणात्मक है, अनुनात्मक है, ध्वन्यात्मक भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरह की ध्वनियाँ होती हैं। तो ये जो है सो चलो यार आसान झंझट है, अब देखिएगा, अब प्रकृति में इसमें जो, इससे जो आदमी अनुकरण प्रिय जीव रहा है,
आदमी की प्रकृति है अनुकरण करने की प्रवृत्ति, और इसी अनुकरण प्रवृत्ति सबसे ज्यादा मनुष्य में पाई जाती है। इसकी वजह से आदमी जो है सो इस विश्व का, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन चुका है अनुकरण के चलते। पत्थर को लुढ़कते देखकर उसने पहिया का निर्माण कर लिया, पक्षियों को उड़कर देखते उसने हवाई जहाज बना लिया। तो इस तरह से जो है सो अनुकरण प्रिय जीव रहा है। भाषा का विकास भी ऐसे ही हुआ। मान लीजिए कि तो जो मान लीजिए यहाँ प्रकृति से के ध्वनियों के अनुकरण से जो भाषा बनी वो भाषा का जो आरंभिक स्वरूप था प्रकृति की ध्वनियों का अनुकरण किया आदमी, अनुकरण किया, अनुकरण से जो भाषा बनी वो प्राकृत कहलाई। क्योंकि प्रकृति, अब एक प्राकृत का मतलब भी हो सकता है कि प्राक जोड़ कृत, मतलब पहले बनी, जो भाषा पहले बनी वो प्राकृत होगी। प्राक जोड़ कृत, जो भाषा पहले बनी वो प्राकृत होगी। अब सवाल खड़ा होता है कि भाई ध्वनिया के अनुकरण से कैसे भाषा विकसित हो सकती है। एक एग्जांपल बहुत मजेदार एग्जांपल है। मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए इसमें कोई पेड़ है, ठीक है, यहाँ एक पेड़ है, यहाँ मान लीजिए कि कोई जो है सो आपको आदमी बैठा हुआ है। हजारों सालों से घटना होती रही है, पेड़ के नीचे बैठता ही होता है, पत्ते भी गिरते ही होंगे, कोई नई घटना थोड़े। बट पहली बार तो सेव पेड़ से नहीं गिरा था ना, न्यूटन ने देखा तो दिमाग उनका काम कर क्लिक कर गया। यहाँ मान लीजिए पत्ता यहां से गिरा, मान लीजिए एक पत्ता गिरा, पत्ता गिरने से आप देखिएगा, कभी आपको अनुभव हुआ होगा बिल्कुल शांत वातावरण में किसी पेड़ के नीचे बैठने का, तो देखिएगा कि एकदम कहीं हवा वो नहीं चल रही हो, बस पत्ता अगर गिरेगा तो आवाज कैसे करेगी, कैसी आवाज निकलती है, देखिएगा आवाज निकलती है पत्त करेगा, इस तरह के ध्वनि पत्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो पत्ता जो गिरेगा तो वो आवाज निकलेगा पत्त। अब पत्त जो एक ध्वनि है आदमी सुनता रहा होगा हजारों साल से, उसके दिमाग में पत्त, अब पत्त से चूंकि पत्त पत्त अब जो चीरा उसका नाम पहले पत्त ही रहा होगा, पत्ते का नाम उसने पत्त ही रखा, बाद में वो पत्ता हो गया। आप देखिएगा पत्ता चूंकि थीन था, बहुत पतला था, इसलिए थीन था, इसलिए देखिए कि आपको उसी से बना, आपको जितना पतला चीज है आपको बना पतला या फिर पातर है ना, फिर है कि पत्थर, चाहे फिर आपको देखिएगा कि पतरी, भाई पत्ता पत्ता जोड़ दिया तो पतल बना है ना, फिर जो क्योंकि पेपर जो है से पतला है तो वो भी पत्र हो गया है ना, पत्र हो गया, पतला हो गया, शरबत में चीनी कम हो गया तो वो पतला हो गया है ना, आदमी अगर दुबला पतला है तो उसको पतला शब्द ऐसे ही से बना है, मतलब पतला पत्ती का जो गिरने वाला जो गिरा ये एक छोटी सी घटना हुई है प्राकृतिक घटना, इससे ये पत्ता के गिरने से जो ध्वनि पत निकली, पत से पत्ता बना, फिर पतरी बना चाहे पतल बना है ना, फिर आगे पतला हुआ, फिर पातर हुआ, फिर पत्र हुआ, इस तरह कितने सारे शब्द बन रहे हैं। और फिर चूंकि गिरा तो पतती भी बना, गिरना उसके नेचर है, पत्ते का गिरना नेचर गिरता है, इसलिए पतती मतलब गिरना है ना, उसी से पतनम भी हो गया, विशाखा पतनम है ना, पतन उसी से पतन भी तो हुआ ना, विमान पतन चाहे चारित्रिक पतन, ये एक एक फेनोमेना के चलते से इतने सारे शब्द बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बना होगा ऐसा,
भाषा बनने की संभावना बहुत प्रबल है प्राकृतिक जो ध्वनियां थी उनके अनुकरण से। अभी भी आदमी में अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र है। बच्चा देखिएगा कि अगर वो खड़ा है, अगर बिल्ली वहां म्यू में कर रही तो वो भी म्यू करेगा, कुत्ता भौंक रहा है तो बोलेगा वो भी भौंकेगा, वो भी भौं भौं करेगा। वो अनुकरण की प्रवृत्ति, अभी बाघ अगर कर देगा तो ओ वही भी करेगा, वही अगर देखिएगा कुहू कुहू कर दे तो कोई बच्चा भी वो कुहू कुछ, कौआ काव करते वो भी काव करेगा। अनुकरण के करने की प्रवृत्ति मनुष्य में बहुत तीव्र रही है और इस अनुकरणात्मक प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य ने भाषा का विकास किया। ठीक है, तो ये आरंभिक जो भाषा का जो भी स्वरूप रहा होगा, तो आरंभिक भाषा जो बनी वो प्राकृत कहलाई। प्राकृत में प्राक जोड़ कृत भी कह सकते हैं, मैंने जो भाषा पहले बनी। ठीक है, तो अब है कि इसको अब देखिएगा, इसमें आप प्रकृति से बना प्राकृत, अब प्राकृत बना, अब प्राकृत के भी बहुत सारे क्षेत्र में भेद रहे होंगे, प्राकृत के भी बहुत सारे क्षेत्रीय भेद रहे होंगे। अब है कि इसका बहुत जब वर्षों के बाद एक संस्कार किया गया, मान ली यहां भी प्राकृत है, बहुत सारे भेद हैं क्षेत्रीय में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्राकृत रहे होंगे, तो यहां जो है सो इसका किसी एक भेद का संस्कार किया गया, संस्कार किया गया तो बन गई संस्कृत। ओरिजिन आपका प्राकृत ही है, प्राकृत से किसी एक रूप का, प्राकृत के किसी एक भेद का संस्कार किया गया, संस्कृत हो गया। संस्कार का मतलब क्या समझे आदमी, आप लोग कई संस्कार करते हैं, जन्म संस्कार करते हैं, मुंडन संस्कार करते हैं, विवाह संस्कार करते हैं, उसके कुछ उस संस्कार के साथ में कुछ वर्जनाएं जोड़ दी जाती है, कुछ प्रोविडेंस जोड़े जाते हैं, जैसे जनेऊ पहन लिया तो जनेऊ आज के बावजूद आज के तारीख से थोड़ा ई ना करे खो, ऊ ना करे खो, हुआ ना जाए खो, ऐसे ना जाए खो, बोलता है ना। तो शादी विवाह में देखिएगा, हम लोग यहाँ देखते हैं कस्टम, हम लोग यहाँ है कि शादी, यहाँ शादी होने से पहले बच्चा को किसी के यहाँ भी खा सकता है। शादी होने से पहले देखिएगा कि एक रिवाज है, गांव के अलग अलग जात के यहाँ खिलाया जाता है दूल्हा दुल्हन को, पाँच छः दिन के जो है ना पूरा खाते रहता है दूसरे तीसरे घर में जा करके, या दूसरे तीसरे घर से खाना आता है, मान अलग अलग जात के यहाँ से, माने उसका उसका शादी होने के बाद उसके से वर्जना जोड़ दी गई कि आप थोड़ा ना खाए खो, छूत वूत का फेरा रखना है। वैसे ही जो बहुत सारे संस्कार, कर्ण भेदन संस्कार होता है, बहुत सारे संस्कारों के साथ कुछ वर्जनाएं जोड़ दी जाती है। तो संस्कृत का जो संस्कार हुआ, मतलब ग्रामर बना दिया गया कि ये सही है ये गलत है, मैंने शास्त्रीय जो है उसको बना दिया गया, भाषा मैंने व्याकरण शास्त्र है ना, तो ये जो है सो कुछ शास्त्रीय जो उसमें वर्जनाएं जोड़ दी गई कि भाई ये सही है वो गलत है, ऐसा प्रयोग उचित नहीं है, ऐसा प्रयोग अनुचित है ना, इस तरह तो जो है सो संस्कृत बन गया, मतलब एक इलिट क्लास की भाषा बन गई, वो एक नागर समुदाय की भाषा बन गई। मतलब ये इसको जो इस सोसाइटी में संस्कृत को जो है सो सारा खिड़की दरवाजा बाहरी लोगों के लिए बंद हो गए, सामान्य आदमी इसका प्रयोग नहीं कर सकता है, और जबरदस्ती भी किया गया कि सिर्फ मना ही नहीं है, तुमको जबरदस्ती भी अगर तुम बोलोगे संस्कृत तो कुटाई पिटाई होगी, मारपीट होता था, संस्कृत तुम पढ़ नहीं सकते हो, संस्कृत तुम सुन नहीं सकते हो, कान में अगर तुम संस्कृत का वेद पाठ करोगे सुनोगे तो कान में शीशा डाल देंगे, ऐसा तक किया जाता था, जीव काट लेंगे वो करेंगे, तो ये जो है सो एकदम मनाही था। अब सवाल यह है कि आम जनता के लिए संस्कृत के दरवाजे बंद हो गए, सारे खिड़की दरवाजे इसके बंद, तब आम जनता क्या बोलेगी, आम जनता के पास क्या था, प्राकृत था ना, आम जनता के प्राकृत, आम जनता प्राकृत बोलती रही। ठीक है, संस्कृत दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, इतनी साइंटिफिक भाषा दुनिया में नहीं आज तक,
और अंग्रेजी दुनिया की सबसे बेकार भाषा है। कहीं कोई आपको ये नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना उच्चारण में, ना श्रवण में, ना लेखन में, ना माने में, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन में नहीं है। इसके बावजूद वो विश्व भाषा बनी हुई है। क्यों? कि अंग्रेजी ने अपने खिड़की दरवाजे सारे लोगों के लिए खोल दिए, सर्वग्रासी भाषा हो गई एकदम। जिस भाषा के भी शब्द जो उसको पसंद आया ज़्यादा प्रयोग में उसने रख लिया, वॉरिशियस नेचर उसका। तो क्या हुआ कि वो ऐसा आज संस्कृत और संस्कृत के दरवाजे बंद हो गए सबके लिए, ये गलत है वो सही है, ये गलत है ये सही है। आज संस्कृत जो है इतनी वैज्ञानिक भाषा के बावजूद वो डेड लैंग्वेज के श्रेणी में आ गई है, मृत भाषा के श्रेणी में आ गई है। कौन बोलता है उसको? जो प्रयोग में नहीं हो तो मृत ही है वो। आपको क्या नाम है उसको, संग्रहालय की भाषा रह गई। किताबों को चाहिए, वेदों को पढ़िए, उसके जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा। दैनंदिन डे टू डे लाइफ में तो उसका कोई यूज नहीं संस्कृत का। इसलिए संस्कृत जो है सो सबसे श्रेष्ठ भाषा होने के बावजूद वो मृत भाषा हो गई आज की तारीख में। वो प्राकृत जो है सो रही, और यही प्राकृत जो है हमारा खोठा का आधार है। खोठा का आधार ये प्राकृत ही है, ठीक है, ये प्राकृत ही है खोठा का आधार जो यहाँ से आया है। इसलिए देखिएगा कि खोठा भाषा में अभी भी जो ओनोमोपोइक जो शब्द हैं, माने अनुरणात्मक अनुकरणात्मक शब्द हैं, बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। और इसकी जो प्रिमिटिविटी है, इसकी जो आदिमता है, इसको बताता है कि खोठा भाषा आदिम भाषा है। क्योंकि अनुकरणात्मक जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं, प्रकृति के अनुकरण से जो शब्दों लिए गए हैं, उनके बहुत आयत संख्या में मिलते हैं खोठा में, इसलिए ये एकदम आदिम भाषा है। बाद के दिनों में इसमें आपके जनजातीय शब्द भी शामिल हो गए, जनजातीय भाषाओं के शब्द भी शामिल हो गए बहुत सारे खोठा में। आपके कुड़ुक के भी शब्द मिलेंगे, आपके मुंडा भाषाओं के भी शब्द मिलेंगे कुछ मात्रा में हैं, क्योंकि इतने सालों से पैरेलल चल रहा है और मुंडा लोग भी इसको एज ए कॉमन इसी में क्या नाम कंटेक्ट लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। जनजाति मतलब सदानों के और जनजातियों के बीच में जो कंटेक्ट लैंग्वेज का काम करती रही खोठा रही है। स्वाभाविक उसमें कुछ ना कुछ जुड़ता जाता है। बहुत सारे जगहों के नाम देखिएगा कि झारखंड में अनेकों गांवों के नाम आपको मिलेंगे, खोठा में बहुत ऐसे शब्द हैं जो आपको जैसे देखिएगा तो गिदर, गिदर इधर सब खोठा में, वो संथाली के शब्द है बच्चा, है ना। तो बंगला में भी गया गिदौर, तो वो जो है सो वो कई से शब्द हैं जो आपको हैं। उस आपको देखिएगा संथाली भाषा ने कुड़ुख ने खोठा को आपको ध्वनि स्तर पर भी शब्द स्तर पर भी प्रभावित किया है। तो वो जो देखिएगा कि यह खोठा शब्द है ये हमारे प्राकृतिक हमारे आधार भाषा रही है, तो ये प्राकृत और वो जो उसी से आपका वो प्राकृत का देखिएगा एक रूप था यहाँ पाली, ठीक है ना। पाली की ध्वनियाँ जो है सो खोठा के ध्वनियों से बहुत मेल खाती हैं। पाली जो है खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती थी और गौतम बुद्ध की भाषा जो पाली थी, पाली मतलब होता है पल्ली मैंने गांव। हालांकि पाली शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई तरह की बात है, प्राकृत का ही एक रूप है वो, तो प्राकृत से ही पाली बनी है। पाली मतलब है कि हम तो उसका अलग कर रहे हैं कि पाली का मतलब होता है पाली देख अलुआ पाली देख रहे हैं ना, उसमें पट्टी पट्टी बना के रखता है उसको पाली बोलता है पट्टी में। तो जो ये जो लिखी जाती होगी आपको मान लिए इसमें क्या नाम है खरोष्ठी, तो लाइन में लिखते हुए ना इसे पारी से आपको लाइन से पारी पारी, तो जब पाली को लिखा जाता रहा होगा उसमें खरोष्ठी में, तब उसमें कुछ रूपांतर हो गए होंगे और उसी से उसका नाम जो मतलब मन प्राकृत को जब लिखा जाता होगा इसी में खरोष्ठी में तब तो लाइन में लिखा जाता होगा, इसलिए वो पाली हो गया। पाली से मैंने पारी या पंक्ति में हो गया, इसका मतलब पाली में पंक्ति भी होता है, ठीक है ना, पंक्ति में। तो ये पंक्ति में भी लिखा जाने के कारण से वो पाली नाम शब्द आया होगा। और यहाँ जो है सो ये तो आपका इसमें इसमें मानने वाले कौन है, तो आपके ए के झा जी इस मान्यता को मानते हैं,
आला जी मानते हैं और बाकी जितने सारे लोग हैं अधिकांश लोग मानते हैं इसको। एक सेक्शन और है, देखिए मैंने एक तो एक थियरी हुआ कि कोठा की उत्पत्ति प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, एक सिद्धांत हुआ आपको प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, ये सिद्धांत के तहत झाजी हैं और आलाजी हैं। एक सिद्धांत ये हुआ खोटा भाषा की उत्पत्ति को लेकर के, एक सिद्धांत ये है। दूसरा सिद्धांत ये है कि संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश सिद्धांत, ये देखिएगा कि यहाँ भाषा को जो संस्कृत थी, अब हमने शुरू में बताया था आपको कि भाषा के आधार जो, चूंकि भाषा मौखिक थी, भाषा तो मौखिक थी, ध्वनियों का कोई आकारहीन थी ध्वनियाँ, कोई लेटर नहीं बना था, कोई वर्ण नहीं बने थे, तो भाषा वाचिक स्तर पर चल रही थी, मौखिक चल रही थी, तो उसके जो सीमाएं थी वो श्रवण, उच्चारण, श्रवण, स्मरण और संवहन, इस चारों पर आधारित थी भाषा, और चारों के कारण जो है सो भाषा में आपको विकृति होने की संभावना ज़्यादा थी। ठीक है, ठीक है, चल रहा है ना, तो ज़्यादा थी उसके विकृत होने की संभावना। तब क्या हुआ कि अब सवाल है कि जो संस्कृत बोलते रहे होंगे वो सारे के सारे एकदम साउंड तो हेल्दी एकदम तो नहीं रहे होंगे, सबका एकदम उच्चारण अंग सही रहा होगा, सबका श्रवण अंग भी सही रहा होगा, स्मरण शक्ति भी सबकी सही रही होगी, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियाँ होती होंगी ना, तो उसके गड़बड़ और कुछ लोग मना करने पर आदमी की प्रवृत्ति उधर ज़्यादा जिदा जाता है, तो कुछ बाहरिया लोग भी संस्कृत बोलने ट्राई करते हैं, मारवे तो मारवे सार, है ना, तुम बड़का बोलते तो हम भी बोल के देखेंगे, तो वो बेचारा कहीं बोला नहीं तो वो भी गड़बड़ आ जाएगा। तो भाषा में विकृति आ गई तो ये भी धीरे धीरे प्राकृत का रूप लेता गया। प्राकृत मतलब क्या, अपना पुराना रूप, माने प्राकृत से नहीं चल के संस्कृत बनाए भाई, तो फिर बिना गया मुझ रहे ना, बिगड़ गया तो क्या हुआ, प्राकृत हो गया, माने पूरा प्राकृत मतलब क्या, पुराने दशा में आ जाना। देख हम लोग बोलते हैं ना, जैसे अगर मान ली कोई थका हुआ आया तो बोलते हैं कि बैठिए प्रकृतस्थ होइए, प्रकृतस्थ होइए मतलब पुराने स्थिति में आइए, अब चल गया है, प्रकृति आपकी थी एकदम बढ़िया महसूस कर रहे थे, चल के थके ना भाई, तो फिर बैठिए प्रकृतस्थ होइए, मैंने पुनः प्रकृति को, अपनी प्रकृति को प्राप्त कीजिए। ये जो बिगड़ गई भाषा तो फिर जिधर से आई थी उस लाइन में चली गई, है ना, बना था पहले पत्र से बना था पत्र, अभी भैया लोग पढ़ाते हैं क्या कि पत्र पहले बना था पत्र, बना पत्र का ही विकृत रूप पत्र है, ये नहीं है। संस्कृत ग्रुप के लोग, क्षमा के लोग, भाषा का कन्फ्लिक्ट अभी भी स्टील चल रहा है, पहले संस्कृत बना के पहले प्राकृत बना, इमेजिन करिए, पहले भाषा सरल रही होगी ना, बाद में कठिन बना दिया लोगों ने, संयुक्त अक्षर पहले नहीं रहेंगे बाद में बने, दीर्घ वर्ण पहले नहीं रहेंगे बाद में बने, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्ण में देखेंगे। तो ये प्राकृत बने, अब प्राकृत भी इसमें भी साहित्य जब लिखने लगा तो यहाँ भी कुछ पंडितों की भाषा हो गई, तो फिर बाद में ये बिगड़ करके अपभ्रंश हो गई, अपभ्रंश, ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा हो गई। अब अभी विद्वानों का मानना है, इस खेमा के लोगों का, कि संस्कृत आदि भाषा है और उससे विकृत हुई है प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अभी जो मॉडर्न लैंग्वेजेस जितने हैं आदि भाषा के वो सब अपभ्रंश से बने हैं, समझ रहे बात को, जो अभी जो वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो अपभ्रंश से बने हैं। तब आप देखिएगा कि इसको मिटाएं, ओके, अब देखिएगा अपभ्रंश में भी आपको देखिएगा अपभ्रंश के भी क्षेत्रीय बहुत सारे भेद थे,
सौरचनीय भ्रंश, प्राचट अभ्रंश, फिर आपको जो मागधीय भ्रंश, अर्धमागधीय भ्रंश, अभ्रंश का भी बहुत सारे भेद थे। तो मगध क्षेत्र के मगध साम्राज्य में जो अभ्रंश था उसको तो लोगों ने बांटा है तीन खेमा में। यह है पूर्वी, इसमें पूर्वी, इसमें मध्य और इधर पश्चिमी। अब है कि पूर्वी में असमिया, बंगला, उड़िया, यहाँ मगही, मैथिली और इसमें भोजपुरी, भोजपुरी। अब देखिए मजे के दार किस्सा है, अब कहाँ चले गए कोठा वाले? किस क्षेत्र को बांटे हैं, पूरे भारत को या किस? नहीं नहीं, मागधी साम्राज्य, मागधी अभ्रंश है ये, मागधी अभ्रंश, ठीक है ना। ये अभ्रंश के बहुत सारे भेद थे ना, सौरसेनी सौरसेनी अभ्रंश से हिंदी बनी है ना, इस तरह से बहुत सारे बने हैं। सौरसेनी अभ्रंश है, अर्धमागधी अभ्रंश है, मागधी अभ्रंश है ना। तो इस तरह बहुत सारे भेद रहे हैं। तो मगध साम्राज्य के क्षेत्र के जो थे अभ्रंश वो मागधी अभ्रंश कहलाए। मागधी अभ्रंश को तीन खेमा में बांटा लोगों ने, है ना। ये इसमें बांटने वाले में दो तीन लोग हैं, आपको बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे आपको ये भी हैं सुनीति कुमार चटर्जी वगैरह हैं, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगला लैंग्वेज के जो लेखक हैं, उन्होंने कहा है। तो यह तीन खेमा में बांटा है। केसरी कुमार सिंह हैं वहाँ पर, संपत्ति हरियाणी हैं उसके, तो ये जो है सो इनको बांटा। वो नोट्स में सब नाम भी मिल जाएगा, इसमें समझ लीजिए यहाँ। तो यहाँ जो है अब है कि यहाँ मगही और मैथिली, आपको बाकी झारखंडी भाषाएं कहाँ चली गई? नहीं देंगे, एक छोटे जाएंगे, एक एक करके देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। हम बैठ के थोड़ा लिखेंगे, आपको लिखेंगे, मेरे पास नोट्स पुराना है, पूरा टेक्स्ट है, हम दे सकते हैं आपको मेरे हैं। हाँ तो लेटेस्ट की बात, इसलिए मैं तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, लिख रहा हूँ मैं एकदम लेटेस्ट, उसके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली उसको बनेगा वो। तो इसमें देखिएगा कि इसमें विद्वानों ने कहा कि खोरठा को कहा खोरठा और कुरमाली, इसको दोनों ने कहा कि ये पूर्वी मगही है। खत्म हो गया, कहा कि खोरठा कोई अलग लैंग्वेज नहीं, कुरमाली कोई अलग लैंग्वेज नहीं, पूर्वी मगही है, मगही का ही पूर्वी रूप है। और भोजपुरी, इसको कहा भोजपुरी को कहा कि नगपुरिया को कहा कि पठारी भोजपुरी है, ठीक है, नगपुरिया को, नागपुरी को उन्होंने कहा कि पठारी भोजपुरी है। और पंचपरगनिया को कहा कि नागपुरिया का विपरीत रूप है, माने एक हिसाब से यही भोजपुरी है। आप खत्म हो गए, ठीक है। तो ऐसा लोगों ने कहा। और तो बात देखिएगा कि इस बार काफ़ी आंदोलन हुआ, भाषा क्षेत्र में काम शुरू हुआ। एक अमेरिकन लेडी थी मोनिका जॉर्डन, मोनिका जॉर्डन जो है सो मोनिका जॉर्डन ये जो है सो नागपुरी भाषा पर काम कर रही थी, आपको इसमें शिकागो यूनिवर्सिटी में। उसने कहा कि नागपुरी जो है एक अलग लैंग्वेज है, वो इसकी भोजपुरी का रूप नहीं है वो। तब शुरू में जब उसको कहा, उसकी एक स्थापना उन्होंने दे दी। केसरी कुमार सिंह वगैरह थे बिहार के, वो से उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ मान गए इसको। अब है कि देखिएगा, अब इसी की तर्ज पर बाद में वो नागपुरिया वाले को कहा कि भाई मगही और मैथिली एक भाषा है मध्यमागधी की, तो एक नागपुरिया भी भाषा है, ठीक है, मगही रहा, मैथिली रहा, नागपुरिया भी भाषा है, तीसरी बहन नागपुरिया हो गई।
बाद में रिसर्च किया आपके इसमें क्या नाम है कुरमाली ने, कहा कि हम चौथी बहन हैं, हम किसी का मेरा अलग अस्तित्व है, हम किसी के लघु बघु नहीं है, है कि तब आपके पांच प्रकनिया वालों ने रिसर्च किया, बोला कि हम पांचवी बहन हैं, पांच परगनिया। अभी जो खोरठा के लोग कर रहे हैं वो बोल रहे हैं हम छठी बहन हैं। कितना काम हो रहा है बहुत नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन इधर उधर माल करके इधर उधर कर रहे हैं लोग, ये जो से छठी बहन इसको वो आपको छठी बहन आपके खोरठा। कई जो रिसर्चर्स हैं वो कह रहे हैं, एक्चुअली रिसर्च का जो तरीका क्या है बहुत ढंग से काम नहीं हो रहा है, जो फैक्ट है इधर का माल उधर किया, उधर का माल उधर किया, फिर हाँ फलाना ने कैसा कहा है तो फलाना ने ऐसा कहा है इसलिए सही ही होगा। उन्होंने अभी नागपुरिया भाषा का जो श्रवण कुमार गोस्वामी ने जो किया है पीएचडी नागपुरी भाषा का विकास, उन्होंने लिखा है कि हजारीबाग की भाषा विशुद्ध भोजपुर मगही है, केसरी कुमार सिंह ने कहा है, संपत्ति यादवानी ने कहा है, इसलिए सही ही कहा होगा, बट इन्होंने कोई जरूरत नहीं महसूस की कि सही कहा है गलत कहा है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अभी जो रिसर्च होना शुरू हुआ है तो वो जो है सो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भी इसी के तर्ज पर, तो ये जो अभी जो नीलकमल जी हम बताए नहीं, नीलकमल जी बोले कि अब भ्रष्ट से मतलब है, तो एक अलग एक खेमा खड़ा हो गया, प्रकृति प्राकृत सिद्धांत वाला था, दूसरा खेमा हो गया आपको संस्कृत प्राकृत प्राकृत अपभ्रंश सिद्धांत, है ना। ये इसमें जो है सो बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर राम कुमार तिवारी वर ज्योग्राफी के टीचर हैं वो भी बोल रहे हैं, डॉक्टर प्रभाकर वगैरह भी बोल रहे हैं, और अभी कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स हैं वो भी बोल रहे हैं। मैं उनका रिसर्च वर्क को देखिएगा तो उन्होंने सारा गोलमटोल है, उनका कोई मौलिक काम नहीं है, उन्होंने कहा है इसलिए उनको स्वीकार कर लिया। तो ये जो सिद्धांत है फिर भी आपको जिक्र तो करना है, ये सिद्धांत चल रहा है तो आपको परीक्षा में लिखना ही है कि एक तो है कि प्रकृति प्राकृत सिद्धांत में एक झा जी हैं आला जी हैं, दूसरा है कि संस्कृत प्राकृत सिद्धांत में ये सारे लोग हैं, ये जो है सो दोनों सिद्धांत अभी काम कर रहा है। और इधर मेरा कहना है जो कि एक झा जी का जो मत है आला जी का जो मत है मैं इसको स्वीकार करता हूँ, और उन्होंने जो खरोष्ठी से जो संबंध बताया है उसको मैंने अब आगे बढ़ाया है। क्यों ऐसा है खरोष्ठी से आपको खरोष्ठी लिपि से खोरठा का संबंध रहा है कि नहीं रहा है इस संबंध में मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया है काम को। तो ये जो है सो देखिए मैंने जो मेरी किताब है खोरठा भाषा उद्भव विकास उसमें मैंने इसका जिक्र बहुत विस्तार से किया है। तो ये देखिएगा कि ये मूल रूप से खोरठा भाषा की उत्पत्ति के राम कुमार तिवारी जी हैं, डॉक्टर विनोद कुमार हैं, है ना, और फिर आपके क्या बोल सकते हैं कि हैं डॉक्टर प्रभाकर हैं, है ना, और बाकी लोग हैं नरेश नीलकमल जी हैं, है ना, बाकी जितने जो पुराने फॉलोअर्स हैं जो तो जितना पुराना लोग है वो इधर एक ही जाति के साथ में है, हाँ वो सब है ना। तो ये सब चीज़ जो है सो आपको देखिएगा कि ये दो सिद्धांत है, एक तो ये सिद्धांत है और प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, ठीक है, ये जो है सो प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, यही दो सिद्धांत काम कर रहा है भाषा की उत्पत्ति को लेकर के, ये आपका पहला चैप्टर हो जाना है, लिखे को कोठा में, ठीक है, ये तो हिंदी में बुझना तो नहीं लिखे क्या लेकिन कोठा में बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से लिखा जा सकता है, है ना। हम शुरू में क्या करेंगे ना कि आप इजी वे में कैसे लिख सकेंगे उसको हम कुछ जो मोटे मोटे जो शब्द हैं खोठा के जिसे लिखिएगा तो खोठा लग जाएगा कि खोठे लिखा है, हाँ ठेठ वैसे तो बिल्कुल ठेठ शब्दों का प्रयोग जो है, कौन कौन शब्द हैं 50 60 70 80 वो शब्द हैं
उसको आप प्रयोग करते चलिएगा, बीच बीच में वो खोटा होता जाएगा, समझे ना। दूसरी बात कारक को पढ़ लीजिए, कारक हम बता देंगे, फर्स्ट टाइम कारक बता देंगे, तो कारक बता देंगे तो कारक का प्रयोग करेंगे तो किसी भी भाषा के शब्द को आराम से उसमें खोटा के रूप में कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में लिख सकते हैं। मैं मेरी जो मतलब कोशिश होगी और हम लिखेंगे आपको जो क्या नाम है प्रैक्टिस भी कराएंगे, अबर से जो होगा ना हम जैसे इसको नेक्स्ट डे आएंगे तो हम इसको लिखा देंगे, ठीक है, हम लिखा हाँ। चूँकि ये पूरा पूरा ये टेक्स्ट हो गया, अब इसे पूछ सकता है कि खोटा भाषा के उत्पत्ति के लेके एक झा जी के मत बतावा, खोटा भाषा की उत्पत्ति के लेकर के आला जी के मत, चाहे संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश सिद्धांत, चाहे बोल सकता है कि खोटा भाषा के जन्म संस्कृत प्राकृत मागधी प्राकृत से भेल है, इसको साबित करना होगा, ठीक है। चाहे बोलेगा कि आपको एक प्रकृति से कोठा भाषा के उत्पन्न भेल है, मैंने जन्म भेल है, एक झाजी के मत बताओ, कर सकते हैं। तो ये जो है सो आपको अलग अलग मत हैं इसको, क्योंकि आपके पास पहले जब 40 नंबर सवाल था, जब 20 नंबर सवाल था, तब बड़े बड़े सवाल पूछे जाते थे, पूरा का पूरा कोठा भाषा की उत्पत्ति को लेकर प्रश्न जो है पूरा पूछा जाता था। आप आपके पास 10 नंबर का सवाल पूछता है, 10 नंबर का सवाल पूछता है तो आपको तो पूरे लिखना संभव नहीं है, 10 नंबर का आपको लिखना लिमिटेशन आपका है ना, वो आपको 200-250 शब्द में लिखना है, 300 शब्द में मैक्सिमम 300 शब्द में जाएगा, और 300 शब्द कितना, एक पेज से ज़्यादा नहीं होता है ना, तो वो सारा कुछ करना है आपको। तो ये जो है सो आपको दो ही सिद्धांत प्रमुख हैं, एक को प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, इसके एक झा जी वगैरह हैं, आला जी हैं, और बाकी इधर हैं आपके संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश सिद्धांत, उसमें तीन जो उसमें ज़्यादा असल में है क्या कि उन लोगों का जो ये है फॉलो कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया जो जा रही है उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो अलग से हट के जो झा जी ने दिया है सिद्धांत वो ज़्यादा मान्य लग रहा है, क्योंकि कई ऐसे चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल वहाँ से, जैसे देखिए खोटा एक आकार बहुला भाषा है, अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है, खैबू जैबू करबू चलबू कहलू पढ़लू, यहाँ खैबा जैबा पढ़बा सुनबा चलबा देखबा, आकार बहुला है। आपको गिरिडीह में तो बोलते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग गिरिडीह के पेटा भाता है, क्यों गड़बड़ थोड़ा है, जैसे ग्रेडियम बोलते हैं चलब करो है खैर करो है, नो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहना है कि वो जो है ना ग्रेडी की जो भाषा है ना वो स्टैंडर्ड के समकक्ष है ना, वो आपको ग्रेडी की भाषा आपको पार्श्वनाथ के आसपास की जो भाषा है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चली जाती है, वो बोकारो वगैरह की भाषा। अरे भाई मेरा कहना है वो बात नहीं, खैबे जैबे हर जगह नहीं ना है, सबको खैबे बोलिएगा, ससुर को खैबे ससुर खैबा ससुर प्रयोग अलग है ना, खैबा है सबको बोलते हैं, बापों को बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, ये आदर को देने के लिए बा है ना, है ना, जयभा खैभा चलभा शुद्धभा आप शुद्धभा आदर है, कौन वाला लिखेंगे बात नहीं है, देखिए आप तो कहे घबरा रहे हैं, वो तो समय पर है, आप सब समझ जाइएगा, ठीक है ना। अभी पहले क्लास में आप कहिएगा कि हम कौन वाला लिखेंगे, वो बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, हमें आपको बता रहे हैं बहुत मुश्किल का एकदम मुश्किल नहीं है, आराम से लिख सकते हैं, मेरा अपना अनुभव है। अरे भोजपुरी भाषी आदमी जब यहाँ से 116 ला सकता है तो आप तो कोठा भाषी हैं जी, ऐसा कुछ थोड़े हैं, भोजपुरी भाषा लड़का भी पढ़ा है, यही इसी में पढ़ा है, आप फिर 116 नंबर लाया है, क्या बोलिएगा उसको, भले वो नहीं पास कर सका, पास नहीं कैसे किया तो बेचारा वो उसे फेल कर गया कंपलसरी पेपर में, हाँ उधर गड़बड़ा गया उसका, तो उसमें इसका क्या दोष है।
बहुत मुश्किल है, हम तो इसको कह रहे हैं कि बहुत आसान है, मार्क ओरिएंटेड पेपर है, आराम से। हिंदी वाले तो भुगत चुके हैं एक बार सजा सब लोग, है ना। हिंदी में जो इतनी सारी वो मतलब इसमें उसका जो मूल्यांकन का जो ये है, अब यहाँ हर्षी दुर्गे का भेद नहीं है, हर्षी दुर्गे का भेद है, तनि से निधुरक लिखिएगा तो मार खा जाइएगा, ठीक है ना। और जो साहित्यिक भाषा हम पूछते हैं कि हम लोग जो बोलते हैं ना, बिहार झारखंडी आदमी अगर जब तक लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा ना हिंदी से लिटरेचर, वो हिंदी में पासे नहीं करेगा, हम आप बता रहे हैं आपको, क्योंकि एकदम इतना वो आज संस्कृत का हिंदी का जो स्वरूप बन चुका है एकदम संस्कृत निष्ठ हो चुका है, तत्समिष्ठ भाषा हो चुकी है। और ऐसे ऐसे शब्दावली बने हैं उसका प्रयोग जो होता है साहित्य साहित्य में अथम चकरा जाएगा, हाँ बोलते ही नहीं है। हम लोग यहाँ तो हिंदी खूब बोलते हैं, हम तो खैबे करते थे, तुम जानबे करता है, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग हिंदी, तुम तो जानबे करते हो, हम रात भर पढ़वे करते हैं, यही तो हम लोग का प्रयोग करते हैं ना। तो हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, मतलब जो सो भी साहित्यिक हिंदी, उसको हिंदी लेकर के आप, एक तो है कि खट्टा का सिलेबस थोड़ा छोटा है, पहले छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था, अभी छोटा कर दिया है। एक तो सिलेबस हिंदी के तुलना में तो छोटा है, इसलिए हम सोचते हैं कि ये बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, वो अब तो पढ़ चुके हैं सब जानते ही हैं, बहुत भारी नहीं है। इसमें कई लोग पिछले बार था पढ़ किसी का था क्या है, हाँ नहीं था ना, हिंदी कितने लोग का था हिंदी इसमें से आप लोग का, हेलो क्या था आपका, पहली बार है, ओके हाँ लैंग्वेज में हिंदी था ना, वही कह रहे हैं कि हिंदी में हम अभी शिकायत मिली है कि बहुत कम नंबर मिला है। तो हम लोग आज यहाँ ये करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट संडे, हाँ अगला क्लास तो तय करेंगे, होता सैटरडे को होगा, सैटरडे को होगा वो तय होगा तो फिर बता दिया जाएगा आपको। हाँ नहीं पहले व्याकरण पढ़ेंगे जी, इसके बाद व्याकरण नहीं आएगा, इसके बाद व्याकरण नहीं आएगा।